Okay. नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस में दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा क्या हालचाल है कैसे हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बोलो मेरे सभी शेरे हिंदुस्तान कैसे हो आप सभी लोग क्या हालचाल है आप सभी लोगों के सूरज भारतीय भारतीय नमस्कार नमस्कार डेनी कुमार जी को भी नमस्कार है वाह भैया वाह रॉयल रॉयल जी को भी नमस्कार है सही बात है सही बात है कभी तो टाइम से आया करो भाई क्या बात है देखिए जरा बंद करिए बंद करिए बंद करिए उसको अरे बाबूलाल भैया को नमस्कार है वाह भैया वाह क्या बात वा, है एकदम झोंक करके आ चुके हैं सभी दोस्त हमारे पुष्पेंदर पुष्पा राज कभी झुकने का नहीं झुकता नहीं आप <laughs> क्या बात है पूरा आईटीआई वेल्डर की क्लास होगी हाँ देखिए ये मैकेनिकल में जितना भी आपका चाहे डीजल मैकेनिक हो चाहे फीटर हो चाहे मशीनिस्ट हो सब में आपका यह पार्ट है है ना इसलिए मैंने एक कॉमन पार्ट लिया है ताकि आप सभी लोगों का अच्छे से काम हो सके अच्छे से तैयार हो जाए अब <laughs> गुड़ेगा। सूरज भारतीय चमकते रहिए सूरज की तरह तो अब तक आप लोगों ने जीके जी एस पढ़ा अब बारी है दोबारा से अपने पुराने अवतार में मैं आ चुका हूं टेक्निकल फील्ड में दोबारा से मैं आ चुका हूं हाँ ये वेल्डर का भी है ये फीटर का भी है ये डीजल मैकेनिक का भी है ठीक है सब में आता है सब में पार्ट आता है तो आज स्टार्ट करने वाला हूँ जोरदार तरीके से और इसी बात पर वीडियो को एकदम जोरदार वाला शेयर ठोक दीजिए और बता दीजिए पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दीजिए आपके महाराज कुमार वर्मा लौट आए हैं <laughs> क्या बात है झोंकम झोंक सही बात है बाबूलाल भैया चला देखिए दोस्तों आज आपका जो टॉपिक है टॉपिक का नाम है वेल्डिंग ठीक है ना वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला काम ए भैया सीधी बात नो बकवास जोड़ने जोड़ने वाला वाला काम होता जोड़ने वाला. जो होता है है वेल्डिंग जो एक प्रकार का परमानेंट ज्वाइंट करने का काम जो होता है वो इसी का होता है वेल्डिंग का होता है या टम्प्रोरी माल तैयार नहीं करता परमानेंट माल तैयार करता मतलब अगर किसी मशीन में जो पार्ट बनता है किसी को अगर आपने परमानेंटली ऐड कर दिया जोड़ दिया वेल्डिंग करके तो अब उसे दोबारा से नहीं खोल सकते हो यह परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म करता है यानी अस्थाई जिसे ज्वाइंट कहा जाता है और वहीं पर अगर बात किया जाए तो आ, अस्थाई जोड़ भी होता है और आ, अस्थाई जोड़ में जो नट बोल्ट आपने सुना होगा जीवन में नाम सुना होगा झोंक करके उसी के बारे में बात होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट किया जाए गाड़ी को हाका जाए तो आज हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त तरीके से लाया हूं ये भैया होली के रंग में ये क्वालिटी एजुकेशन के संग जो है आज आज 12 मार्च है आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आप सभी लोग झोंक करके ले सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं ठीक है किसी भी कोर्स पर 70 परसेंट का डिस्काउंट आपको मिलेगा होली सेवेंटी कोड लगा दीजिए चलिए तो आज अब बात करने वाला हूं देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे सबसे पहले हम आपको बताऊंगा भैया ए बताऊंगा हो तो पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट ठीक है ना कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या हुआ था देवसेना वाह भैया वाह चलिए तो अब सबसे पहले देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इसमें आप स्टार्ट करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी लिया है आप लोगों को दिखा देता हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूं क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप एकदम निश्चिंत रहिए देख रहा ना ये सब क्वेश्चन है देख रहा है आपके सामने क्वेश्चन लाए झोंक करके है ना मजा आएगा परेशान ना हो तो पहले सजा सजा भोगना पड़ेगा सजा का मतलब ये होता है कि पहले तपस्या करना पड़ेगा ना तो कम से कम मेरे साथ मिल करके आधा घंटा आपको हमारी बात को ध्यान से प्यार से मोहब्बत से बिना किसी परेशानी के सुनना पड़ेगा जब सुनेंगे तो एक एक सवाल आप ऐसे झोंक देंगे है ना नचा देंगे एक एक सवाल को जब हमारी बात को आप ध्यान से सुनेंगे देख रहे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे बात लास्ट में होगा पहले कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता देता हूं तो कॉन्सेप्ट पहले समझिए वेल्डिंग में कॉन्सेप्ट समझते हैं ठीक है ना चलिए चलिए सूरज भैया स्टार्ट किया जाए हो बाबू देखा बाई है वेल्डिंग इसे वेल्डिंग कहा जाता है जय श्री राम प्रणाम करता हूं आपको पहला दिन है बहुत दिन बाद हथियार उठाया हूं चलो भैया वेल्डिंग देखिएगा अब वेल्डिंग क्या होता है वेल्डिंग अगर देखा जाए तो क्या देता है एक परमा परमानेंट परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म करता है परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म करता है पहला बात ध्यान दिए भैया ए वाह कैसा ज्वाइंट हो परमानेंट ज्वाइंट बताता है परमानेंट ज्वाइंट देता है जैसे मान लीजिए आपने वेल्डिंग इस तरीके से किया है सपोज दैट आपने वेल्डिंग यहां से ऐसे किया है तो वेल्डिंग जैसे मान लीजिए कोई यह आपका जॉब है जॉब का मतलब होता है बेस मेटल यानी इसी को पेरेंट मेटल भी कहा जाता है यही आपका पेरेंट मेटल है अब आप इसने इसे क्या किया आपने जोड़ दिया और आपने इस तरीके से इसे जोड़ा तो जोड़ने के बाद जहां वेल्डिंग होता है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ठीक है ये वेल्ड है आपने इसको वेल्ड कर दिया यहां पर वेल्ड किया तो यह वेल्ड मेटल है ठीक है इसको बोलते हैं वेल्ड मेटल यह आपका वेल्ड मेटल है ठीक है वेल्ड मेटल है यानी यहां पर आपने ज्वाइनिंग फॉर्म कर दिया भैया ये परमानेंट ज्वाइन आपने बनाया परमानेंट ज्वाइन बनाया अर्थात कहने का मतलब क्या होता है परमानेंट ज्वाइंट क्या करता है फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है करता है ये बात यहां ध्यान दीजिएगा ठीक है परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म करता है इसमें क्या होता है दोस्तों वेल्डिंग में दो या दो से अधिक मेटल को आपस में जोड़ने का एक प्रक्रिया है दो या दो मेटल को चाहे वो फेरस मेटल हो चाहे नॉन फेरस मेटल हो किसी भी मेटल को जोड़ने का प्रोसेस कहा जाता है ठीक है तो टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल देखिएगा टू सिमिलर ये क्या है टू सिमिलर या हमने कहा डिसिमिलर 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 मेटल मेटल को जोड़ने का को जोड़ा जाता है को जोड़ने का जोड़ने का कार्य होता है जोड़ने का क्या होता है कार्य होता है कार्य होता है अच्छा सवाल यहां पर यह है किससे कार्य होता है कार्य किससे होता है तो आप कहेंगे हो सकता हो कि प्रेशर से होता हो हो सकता हो बेल्डिंग प्रेशर से हो या हो सकता हो किससे हो हीट से हो यानी बाय द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रेशर या हीट के माध्यम से क्या करेंगे बेल्डिंग करेंगे ठीक है ना ये बात आप समझ गए इसका मतलब यह हुआ कि वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट ज्वाइंट फॉर्म करता है परमानेंट ज्वाइंट देता है साथ में यानी अस्थाई देता है और साथ में दो सिमिलर मेटल या डिसिमिलर मेटल मेटल मान लीजिए दो ठो जुड़ा हुआ है तो हो सकता हो कि यह वाला मेटल यह जो मेटल है यह दूसरा कोई मेटल हो और हो सकता हो यह वाला जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है यह वाला जो मेटल आपको यहां पे दिखाई दे रहा हो सकता है ये वाला दूसरा हो ठीक है या हो सकता हो दोनों पेरेंट मेटल जो है दोनों जो आपका बेस मेटल है जो पेरेंट मेटल है वो दोनों एक ही प्रकार का मेटल हो? हो सकता हो कि कॉपर का दोनों हो सकता हो कि आपका कास्ट आयरन हो हो सकता रॉट आयरन हो? हो सकता हो पिग आयरन हो कोई भी मेटल हो सकता है ठीक है तो दोनों सिमिलर भी हो सकता है या दोनों डिसिमिलर भी हो सकता है दोनों प्रकार के मेटल को आसानी से जोड़ सकते हो आप ठीक है और कैसे जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे प्रेशर या हीट के माध्यम से जोड़ेंगे प्रेशर या हीट के माध्यम से जोड़ने का यह क्या होता है का प्रक्रिया होता है अब देखिएगा जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा दोस्तों यह आपका एक बेस मेटल है एक पेरेंट मेटल है मान लेते हैं इसे क्या मानते हैं इसे मानते हैं बेस मेटल देखा भा इसका नाम अलग अलग है भैया है देखा एक एक कहते हैं बेस मेटल इसे बेस मेटल कहा जाता है या इसी को क्या कहते हैं पेरेंट मेटल ये पेरेंट मेटल कहा जाता है इसी को बेस मेटल कहा जाता है ठीक है हमने कहा हमारे साथ केवल आधा घंटा अभी बिताइए जम करके और आधे घंटे के बाद झो झोंक जो करके झोली में भर लीजिए एक एक सवाल आपके दिमाग में एकदम परमानेंटली सेव होता चला जाएगा आ हमारी बात नहीं सुनेंगे तो नागिन जैसे लौटती है माटी में वैसे आप लोग लौटेंगे वहाँ तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए बाहु सूरज भैया डेनी डेनी कुमार रंजन राय गुलशन गुलशन कुमार क्या बात है बहुत बढ़िया हाँ जिया हो शेर न्यू लुक है दिख रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया गुलशन भैया देखा यह आपका एक बेस मेटल है इसी को पेरेंट मेटल भी कहा जाता है ठीक है ना इसी को वर्कपीस भी कहा जाता है इसी को क्या कहते हैं इसी को वर्कपीस भी कहा जाता है वर्क पीस भी अब देखिए अब इसको मान लीजिए यहां से जोड़ना है यहां पर आपको जोड़ना है तो यहां पर जब जोड़ना है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको हीट चाहिए हीट कैसे मिलेगा तो हीट आपको ऐसे मिलेगा यह देखिए यह एक आपका नोजल हो गया और यह मैंने एक टार्च बना दिया क्या बना दिया टार्च बना दिया ये आपका टार्च है यह टार्च है अब यहां से निकलेगा फ्लेम यहाँ से निकली का भैया बाबू यहां से फ्लेम निकली यहां से फ्लेम निकलेगा देख रहा ना यहां से क्या निकल रहा है ये फ्लेम निकल रहा है ये फ्लेम है इसे क्या कहते हैं बाबू तो ये इसे कहते हैं फ्लेम कहते हैं यह फ्लेम है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है टॉर्च ये कहा जाता है टॉर्च मैं एक बिल्डिंग का खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं एक परमानेंट को बिल्डिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं परेशान मत होइएगा आप लोग ठीक है ना हाँ कहां से हैं मिशन वर्दी 23 आई एम फ्रॉम गोरखपुर बाबा की नगरी से चला देखा तो यह फ्लेम हो गया यह टॉर्च हो गया टॉर्च है अब इस टॉर्च के माध्यम से दो यहां पर पाइप लगा होगा दो पाइप लगा हो गैस जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे गैस बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया तो यहां से हो सकता हो ऑटू जाए या यहां से हो सकता हो कि सी टू एस टू जाए सी टू एस टू का मतलब होता है, इसे कहते है, कहते है।, का ले लिया है ठीक यहां से जब ये हीट जाएगा इसके सरफेस पर जाएगा तो ये सर्फेस जो होगा ये पेरेंट मिटल क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी इसका जो तापमान होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग बता देता हूं कितना होता है पैंतीस सौ डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन अभी सभी फ्लेम के बारे में बताऊंगा तो लगभग पैंतीस सौ डिग्री सेल्सियस जो होता है बेस मेटल को एकदम मेल्ट कर देता है और यहां पर क्या करेगा पूरा का पूरा यहां पूल बना देगा यहां पर क्या बनाएगा पूल बना देगा पूल का मतलब यह हुआ कि तालाब जैसे होता तालाब भैया तालाब बना देगा मार हिसे एकदम हरहरा करके पूरा लिक्विड में आ जाएगा ये और जब लिक्विड में आएगा जहां पे जोड़ना वहीं पर एक चाहिए एक फिलर मेटल है वहां पर एक लगा देंगे क्या हम फिलर मेटल ये कौन है इसका नाम है बाबू फिलर मेटल इसे क्या कहते हैं ये आपका है फिलर मेटल ये आपका फिलर मेटल कहा जाता है फिलर मेटल यानी फिलर मेटल का मतलब यह हुआ जब दो दो पेरेंट मेटल को आपस में जोड़ना रहता है तो एक फिलर मेटल यानी इसके कैविटी को भरने के लिए कैविटी को भरने के लिए फिलर मेटल की आवश्यकता होती है और यह फिलर मेटल उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल का पेरेंट मेटल होता है ए भैया है और बाबू ध्यान से प्यार से मोहब्बत से बिना परेशानी आफत के हमने कहा पेरेंट मेटल उसी मेटल का होगा ये फिलर मेटल उसी मेटल का होगा जिस मेटल का क्या होगा आपका बेस मेटल होगा अर्थात पेरेंट मेटल होगा बात आप अब क्या होगा ये मेल्ट होगा मेल्ट होकर के इसी में जाकर के टप टपा के गिरेगा इसी में जाके टप टपा के गिरेगा उसके बाद क्या करेंगे इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ठंडा हो जाएगा बिल्डिंग आपका गनगना करके कंप्लीट हो जाएगा बात समझ गए ना तो ये आपका फिलर मेटल है अभी मैं एक एक करके बताऊंगा तो ये अभी आपने जाना कि आपका वर्कपीस क्या है बेस मेटल क्या है Parent metal क्या है यहां पर acetylene gas, oxygen gas का थोड़ा सा मैंने एसिटिल्पल लिया flame लिया और फिलर रॉड लिया ठीक है और साथ में यहां पर यह इस्तेमाल होता है, यहां पर बेटा एक इस्तेमाल होता है filler rod. यहां पर यहां पर इस क्षेत्र में इस्तेमाल क्या होता है यहां पर इस्तेमाल किया जाता है फ्लक्स. फ्लक्स वेरी वेरी अगर फ्लक्स ना रहे तो होगा क्या है ऑक्सीडेशन तो प्रोसेस हो जाएगा यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी यानी जहां पर जोड़ होगा यहां पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया तेज होगी जब तेज होगी ऑक्सीजन की प्रक्रिया तो वेल्डिंग कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इस पर एटमोस्फियरिक गैसेस क्या करेंगे अटैक कर देंगे अगर फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो एटमोस्फियरिक गैसेज हैं जा करके अटैक कर देंगी यह, यह आपने देखिए लिक्विड अवस्था में आ चुका है इसका मतलब यह वीक हो चुका है जब वीक होता है तो उस वीक कंडीशन में कोई भी आदमी किसी भी ऊपर आक्रमण करके उसे हरा सकता है तो ये क्या हो गया वीक कंडीशन में आ चुका है तो यहां पर एट्मौस्फेरीक है, एट्मौस्फेरीक है, जो आपका यहां पर कंटेनमेंट है ये जा करके इस अटैक करेगा लेकिन अटैक ना होने पाए इसको बचाने के लिए यहाँ पर फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है और फ्लक्स जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है या बोरेक्स सबसे उपयुक्त माना जाता है तो फ्लक्स में कौन कौन सा होगा तो आप कहेंगे बोरेक्स बोरेक्स का या सोडियम कार्बोनेट का किसका बाबू तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है तो सोडियम कार्बोनेट या उसका इस्तेमाल होता है बोरेक्स का ये बात आप समझ गए चाचा हमारे चाचा मेरे गोरखपुर से पढ़ा बहुत बढ़िया पप्पी सिप्पी क्या बात है पप्पी भैया जी हो चाचा बनारस वाले गोरखपुर वाले चला अब बताते हैं आपको बिल्डिंग के प्रकार की बात करता हूं थोड़ा सा मैं समझाया हूं अभी मैं और डिटेल से बताऊंगा वेल्डिंग टाइप की बात करूंगा यानी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग जो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग होता है ना बेटा ये दो ही प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है मात्र दू प्रकार का झमझमा के होता है एक आपका होता है एक आपका होता है फ्यूजन बिल्डिंग एक आपका फ्यूजन बिल्डिंग होता है इसी को नॉन प्रेशर बिल्डिंग कहते हैं यही आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहा जाता है नॉन प्रेशर बिल्डिंग कहा जाता है और दूसरा जो होता है दूसरा जो होता है वो कहा जाता है क्या प्रेशर बिल्डिंग क्या कहते हैं बाबू प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं तो एक आपका कौन सा हो गया प्रेशर बेल्डिंग एक आपका हो गया नॉन प्रेशर बिल्डिंग ठीक है ना तो प्रेशर बेल्डिंग को ही एक नाम और देते हैं इसे प्लास्टिक बेल्डिंग भी कहते हैं इसे आपका क्या कहते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं अब देखिएगा यहां पर प्रेशर जो फ्यूजन बेल्डिंग है फ्यूजन बिल्डिंग का मतलब हुआ ये देखिएगा ये जो यहां पर हो रहा है क्या हो रहा यहाँ पर फ्यूजन हो रहा फ्यूजन हो रहा फ्यूजन का मतलब यहाँ पर लिक्विड अवस्था में बदल दिया गया है मेटल को फिलर रॉड उस पर टपकाया जा रहा है टप टप टपक रहा है इस पर और जा करके ठंडा हो जाएगा ज्वाइंट फार्म कर देगा और जा करके मोलेकुलर लेवल पर जा करके मिल जाएगा जो जो आपका बेस मेटल है जो फिलर मेटल है जो पेरेंट मेटल है इन दोनों का लिक्विड जा करके मोलेक्लर लेवल पे मिलेगा अर्थात कहने का हुआ कि होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा यहां पर कौन सा मिक्सर बनेगा होमोजीनियस होमोजिनियस का मतलब होता है जब फिलर मेटल और पेरेंट मेटल के जो एटम है वह हम मोलेक्र लेवल पे जाके अटैक कर लेंगे अटैच कर लेंगे तो वही कहा जाता है बाउ समझ गए ना होमोजीनियस मिक्सर कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है जैसे आप क्या करिए जैसे आप कंक्रीट सीमेंट बालू सबको मिला करके क्या बनाते हैं कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं कंपोजिट मटेरियल कहा जाता है जब वो मोलिकुलर लेवल पे ना मिला हो आपने बालू कंक्रीट सीमेंट को मिलाया तो क्या वो मोलिकुलर लेवल पे मिल गया नहीं मिला नहीं मिला लेकिन यहाँ पर होमोजिनियस मिक्सर में ऐसा होता है है ना होमोजीनियस मिक्सर में ऐसा होता है यहाँ पर अब बिल्डिंग में देखिए फ्यूजन बिल्डिंग में एक दमदार बिल्डिंग का नाम आता है देखिएगा ये कौन सा है ये फ्यूजन बिल्डिंग है फ्यूजन बिल्डिंग को ही नॉन प्रेशर बिल्डिंग कहा जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग में देखा जाए तो हीट का प्रयोग होता।, होता है प्रयोग किसका होता है यूज किसका होता है तो आप कहेंगे हीट का प्रयोग होता है यानी हीट का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं काहे है प्रयोग करते हैं तो फ्यूजन कराने के लिए करते हैं अब इसमें देखिए एक आपका कौन सा होता सबसे पहले नाम आता है गैस वेल्डिंग का एक नाम आता है वो है गैस वेल्डिंग और गैस बेल्डिंग में भी कौन सा गैस इस्तेमाल यहां पर होता है तो आप कहेंगे ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीएसिटिलीन गैस इस्तेमाल किया जाता है जिसे ऑक्सी ऑक्सीन गैस का मतलब हुआ यहां पर ऑक्सीजन और कौन सा सी टू एच टू यह दो गैस का इस्तेमाल होता क्यों इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा और भी तो गैस हो सकता है बिल्कुल हो सकता बाबू ऑक्सीजन के सतमा चाहे आप एसिटिलीन डालिए चाहे हाइड्रोजन गैस डालिए चाहे मिथेन गैस डालिए ये सभी के सभी के फ्लेमेबल गैस हैं यानी ज्वलनशील गैस हैं एसिटिलीन भी है हाइड्रोजन भी है और मीथेन भी है ब्यूटेन भी है है ना प्रोपेन भी है सब ज्वलनशील गैस है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में एसिटलीन क्या करता हीट पैदा करता है सबसे ज्यादा जब एसिटलीन ऑक्सीजन का मिक्सर तैयार होता है तो जब जलता है ना तो जो ज्वाला पैदा होता है वो हीट बहुत जबरदस्त पैदा करता है और लगभग ये पैदा कितना करता है डिग्री सेल्सियस के आसपास करता है लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेंगे तो यह लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास करता है अगर ऑक्सीजन मेथेन को आप लेंगे तो लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास करता है जो कि यह सभी मेटल के लिए उपयुक्त नहीं होगा क्यों नहीं उपयुक्त होगा भैया इसलिए क्योंकि कुछ मेटल ऐसे होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट सत्रह डिग्री सेल्सियस होगा अट्ठारह डिग्री सेल्सियस होगा तो उस कंडीशन में ये तो फेल हो जाएगा ना उसको गला ही नहीं पाएगा तो फ्यूजन कहाँ होगा नहीं होगा ना इसके अंदर चुके में।, ये गैस हो गया। गैस इसी में आता है दूसरा देखिएगा दूसरे का नाम आता है इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग इसी में आता है फ्यूजन में इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग आता है इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग भी इसी के अंतर्गत आता है और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में अगर देखा जाए तो आर्क का प्रयोग करके आर्क का प्रयोग करके हीट को पैदा किया जाता है और यह जो हीट पैदा करता लगभग तीन से चार हजार से डिग्री सेल्सियस पैदा करता है बहुत बढ़िया सूरज भैया एकदम रहा रहा अब इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग आप समझ गए इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग इसी में आता है इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग के अलावा देखा जाए तो थर्माइट बिल्डिंग कौन सा हो बाउ थर्माइट बिल्डिंग थर्माइट बिल्डिंग और थर्म थर्मिट भी भी इसे कहते कहते हैं हैं थर्माइट लेकिन पर सवाल यह बनता है कि थर्मिड बेल्डिंग का प्रयोग कहां होता है तो थर्मिड बेल्डिंग का प्रयोग एक ही जगह होता है जब रेलवे ट्रैक पे कहीं फ्रैक्चर होता है कहीं टूटा रहता है तो उस रेलवे ट्रैक की जो बेल्डिंग होती है वो थर्माइट बेल्डिंग से होती है क्योंकि इसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इसे हीट प्राप्त होता है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इसे भी हीट प्राप्त होता है तो केमिकल रिएक्शन यहां पर होता है थर्मिट बिल्डिंग में वेरी वेरी जहर सवाल ठीक है ना तो यहां पर प्रयोग होता है सोल्डरिंग का नाम आता है और इसी में किसका नाम आता है इसी में ब्रेजिंग का नाम आता है इसी में सोल्डरिंग ब्रेजिंग का नाम आता है आपने अपने घर में रेडियो बजाया होगा चाहे टेलीविजन बताया बजाया होगा और उसमें गाना सुना होगा बचपन ने लिखी कहानी मेरी कैसे बदलती जवानी मेरी सारा समंदर मेरे पास है एक बुद पानी मेरी प्यास है मेरी प्यास है ये सब गाना आपने सुना होगा ये बाबू जो रेडियो होता है जो टेलीविजन होता है उसमें जो वायर होता है जो सर्किट में अटैच होता है जहां जोड़ियाते हैं ना जोड़िया का काम इसी का का है सोल्डरिंग ब्रेजिंग का, इससे जो आपका फार्म होता होता है 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 बड़ा वीक ना दोस्ती प्यार मोहब्बत बड़ा प्यार मोहब्बत बहुत खतरनाक वाला नहीं है सबसे खतरनाक प्यार मोहब्बत है ही रहता है ये टूटता नहीं है भड़काने पर भी नहीं टूटता है ठीक है ना लेकिन ये भैया खाली पकड़ गए देखा हू देखा जाकर के दूसरे जगह मिल रहा किसी से टूट जाएगा तुरंत टूट जाएगा, जाएगा। बहुत ही <coughs> तो सभी सभी वह कौन सा है मैं आपको बता देता हूं यहां पर गैस बेल्डिंग से खूब जबरदस्त क्वेश्चन झोंकता है साथ में इलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिंग से खूब ज्यादा क्वेश्चन आता है साथ में थर्मिट बेल्डिंग से चार पांच प्रकार का सवाल आता है में सोल्डरिंग और ब्रेज़िंग से भी सवाल आता करके तो ये जितना भी मैं लिखा हूं ये सब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जहर है ये बात आप समझ गए अब लगे हाथ हम बताते हैं किसके बारे में अब हम बताएंगे प्रेशर बिल्डिंग के बारे में अब हम बताएंगे प्रेशर बिल्डिंग के बारे में बताएंगे प्रेशर बिल्डिंग सुनिएगा प्रेशर बिल्डिंग में देखिएगा हीट कहां से प्राप्त होता है हीट तो आप कहेंगे गुरु जी यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है हीट वहां से मिलता है यानी धारा जब प्रवाहित होता है जब धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं ना तो वहां पर हीट बहुत जबरदस्त मात्रा में पैदा होता है उसी हीट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं उसी हीट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं ये प्रेशर बिल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं और इस प्रेशर बिल्डिंग में देखिएगा ये इस प्रकार का आपको ज्वाइंट फार्म मिलता हुआ नजर आएगा एक प्लेट आपका ये है और दूसरा प्लेट आपका ये है ये आपका क्या है बाबू ये आपका पेरेंट मेटल है यह आपका पेरेंट मेटल है और यहां पर क्या होता है यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा यह आपका टिप है इसे टिप कहा जाता है टिप ठीक है टिप 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 है टीच्ट। इसको टीच्ट कहते हैं और यह आपका क्या है इलेक्ट्रोड है यह इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड है यह आपका इलेक्ट्रोड है ठीक है यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड आपका इस तरीके से दिखाई देगा ये इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड यहां भी आपको दिखाई दिया

ठीक है यहां भी जाएगा और इससे होकर के ये इस बेस मेटल में जब एंट्री मारना स्टार्ट करेगा और ये जब पास करना स्टार्ट करेगा तो फिर पास होकर के कहा जाएगा इसमें जाएगा और इससे फिर कहा जाएगा सर्किट में ऐसे जाएगा मतलब गोली आएगा गोल 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 घूमेगा ये भैया है देखा जब गोल गोल घूमेगा ना तो यहां पर रेजिस्टेंस पैदा होगा इस क्षेत्र में रेजिस्टेंस पैदा होगा अब यहां रेजिस्टेंस जब पैदा होगा मतलब अपोज होगा जब इलेक्ट्रॉन के बहने का तब यहां पर एक स्पॉट पड़ जाएगा मतलब जहां पर बिल्डिंग होता है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पॉट पड़ेगा वास्तव में स्पॉट यहाँ नहीं पड़ेगा ए बाबू इस पटवा यहाँ नहीं पड़ेगा जैसे मान लीजिए जैसे अच्छा। मान लीजिए ये देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक पन्ना ये है एक सीट मेटल ये है एक सीट मेटल ये है पतले पतले सीट को पतले पतले सीट को जोड़ने का काम होता है प्रेशर बिल्डिंग का ठीक है ना पतला पतला जो सीट मेटल होता है कार की जो बॉडी वोडी बनती है वो सभी के सभी बॉडी कैसे बनाए जाते हैं प्रेशर बिल्डिंग से तो एक मान लीजिए सीट मेटल ये है दूसरा सीट मेटल ये है और इनको क्या हो जोड़ना है इनको जोड़ना है तो इसके ऊपर क्या करते हैं दूसरा प्लेट ऐसे रख देते हैं दूसरा प्लेट रखा गया एक इलेक्ट्रोड रहेगा नीचे से एक इलेक्ट्रोड नीचे से रहेगा और एक इलेक्ट्रोड ऊपर रहे से रहेगा वही देखिए वैसे ही बनाया हूं एक नीचे से एक ऊपर से और जब नीचवा से ऊपरा से जब दबाव पड़ता है जब यहाँ हीट बढ़ेगा तो ना क्या करते हैं इसको नीचे की तरफ दबा देते हैं

इस इलेक्ट्रोड टिप इलेक्ट्रोड की जगह रोलर इलेक्ट्रोड लग जाएगा अब आपका रोलर इलेक्ट्रोड लग जाएगा ठीक है ना इस प्रकार से कुछ रोलर इलेक्ट्रोड आपका लगता हुआ दिखाई देगा यहां पर एक रोलर होगा यहां पर एक रोलर होगा और यह भी इलेक्ट्रोड होगा यह भी इलेक्ट्रोड होगा इसको भी क्या करेंगे पावर सप्लाई यहां पर दे देंगे यहां पर भी क्या करेंगे पावर सप्लाई यहां पर झोंक करके दे देंगे ठीक है तो यह चलता रहेगा यह चलता रहेगा ये बाबू हाई चलता रहता है यह चलता रहता ठीक है यह चलता रहता है बात ध्यान दीजिएगा यह चलता रहता है बात समझ गया ना चलता रहता <coughs> तो ये ऐसे ऐसे चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा ये ऐसे चलेगा ठीक है बात समझ गए तो ये क्या होगा बिल्डिंग होता चलाएगा बिल्डिंग होता चलाएगा अब देखिए सीम बिल्डिंग के साथ देखा जाए तो प्रोजेक्शन बिल्डिंग भी है प्रोजेक्शन बिल्डिंग भी नाम आता है प्रोजेक्शन बिल्डिंग भी आता है इसी के साथ बट बिल्डिंग आता है कौन सा बट बिल्डिंग आता है इसी के साथ एक नाम आता है फ्लैश बिल्डिंग एक फ्लैश बिल्डिंग आता है और फ्लैश बिल्डिंग के जस्ट बाद एक नाम और आता है जिसे कहा जाता है परक्यूशन वेल्डिंग परक्यूशन वेल्डिंग कहते हैं परक्यूशन वेल्डिंग कहते हैं ठीक है ये परक्यूशन वेल्डिंग है तो ये प्रेशर वेल्डिंग का सब एग्जाम्पल है 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 ना स्पॉट वेल्डिंग वेल्डिंग अकड़म जितना भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी के सभी क्या है सभी के सभी प्रेशर वेल्डिंग कहे जाते हैं सर बात समझ गया ना बहुत सही भैया चला क्या हुआ देवसेना अनकेत भी लाइव क्लास देख रहे हैं वाह वाह भैया क्या बात है जियो रे शेर हमने कहा था कि हमारा क्लास आधा घंटा देखने के बाद आपको जो है मजा आएगा जब क्लास में आप रहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है बस अब स्टार्ट करने जा रहा हूं वैसे बिल्डिंग तो बहुत प्रकार का है लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जो, जो मैंने यहाँ बताया है सब मैंने बताया ठीक है अरे सूरज भैया सर हिंदी में लिख लीजिए लिया करिए जी ठीक 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 हिंदी में लिखेंगे परेशान न हुई है जी के जी है हिंदी में जब चाप जब ठोकते हैं तब तो लोग कहते हैं भैया अंग्रेजी में लिखिए अब यहाँ जब अंग्रेजी लिखा रहा है तो कह रहे हैं हिंदी में ठोकिए कोई बात नहीं है

फिर कभी जो है उसमें रोने गाने की आवश्यकता ना पड़े चलो भैया है गए आगे बात करते हैं देखिएगा अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में फ्यूजन वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में बात होगा और फ्यूजन वेल्डिंग में सबसे पहले नाम आएगा कौन सा तो आप कहेंगे सबसे पहले नाम आएगा गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग का नाम आएगा गैस वेल्डिंग अब देखिएगा गैस वेल्डिंग में दोस्तों ध्यान से बात सुनिएगा आप कहानी स्टार्ट हो गया मीटर आपका स्टार्ट हो चुका है ठीक है ना ठीक है यार देखा अब गैस बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो यहां पर जो हीट प्राप्त होता है हीट जो प्राप्त होता है जो हीट प्राप्त होता है कहाँ से होता है कहां से होता पहला सवाल से होता है कहां से होता है कहां से होता है पहला सवाल है तो आप कहेंगे जो गुरु जी हीट मिलता है ना वह ऑक्सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस एसी ऑक्सीजन और एसी गैस जो जलता है गैस के मिश्रण से गैस के मिश्रण से क्या होता है कि मिश्रण से मिश्रण से क्या मिलता है हीट पैदा होता है मिश्रण से हीट पैदा होता है बात आप समझ गए ना ये पैदा होता है ये बात आप समझ गए यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर दो गैस आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दो गैस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका एसिड गैस रिस्पॉन्सिबिल है आप जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है ना ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों गैस जब जलता है जब दोनों गैस जलता तो क्या पैदा करता हीट पैदा करता है यानी दोनों गैस क्या जनरेट करता है तो कहेंगे फ्लेम फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला क्या होता है फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला ये ज्वाला याद रखिएगा ज्वाला तो सबसे पहले यहां पर ज्वाला के बारे में मैं कुछ फैक्ट यहां बताता हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा अब अगर हम बात करें किसके बारे में फ्लेम के बारे में बात करें फ्लेम के बारे में बात करें तो फ्लेम का मतलब क्या हुआ बाबू तो कहना ज्वाला हुआ ज्वाला ठीक है अब फ्लेम देखा जाए तो टोटल अगर फ्लेम की बात किया जाए तो जैसे फ्लेम जो है दो प्रकार का सिलेंडर इसमें होता है एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है एक आपका एसिटलिन का सिलेंडर होता है ठीक है ऑक्सीजन का और एसिटलिन का सिलेंडर होता है आइए हम आपको दिखाते हैं देखिएगा यहां पर ये आपके सामने जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है दो प्रकार का सिलेंडर है ये हो यहाँ इस ऑक्सी देखिएगा ऑक्सी ए सी टी अरे भैया पहले इसको याद ना नहीं घबरा जाएगा माल खत्म हो जाएगा तो कहां से मैं झोंकूंगा घबरा जाएगा ना चलिए इसको कहा जाता है ये क्या है आपका ये भैया है, है राजा है देखा इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ऑक्सी एसीटिलीन एसी गैस वेल्डिंग ये आपका ऑक्सीएसटिल गैस वेल्डिंग है अब इस गैस वेल्डिंग में देखिएगा दो प्रकार का सिलेंडर यानी सिलेंडर अगर बात करें सिलेंडर कितने प्रकार का होता है इसमें तो आप कहेंगे दो प्रकार का होता है दो प्रकार का सिलेंडर होता है एक आपका कौन सा होगा तो एक आप याद रखिएगा एक जो सिलेंडर होता है पहला वो कौन होता है तो कहेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है अब ऑक्सीजन सिलेंडर कौन सा दिखाई दे रहा है देखिए ये आपका ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है किस कलर का है पहला सवाल किस कलर का है पहला सवाल झोंक दिया भैया देखा कौन कलर कहेंगे करिया है कौन कलर करिया है करिया का मतलब होता ब्लैक है ना ब्लैक का मतलब हुआ काला ब्लैक का मतलब क्या हुआ काला हुआ और ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर देखा जाए तो सिलेंडर कैसा होता कहेंगे सिलेंडर काला रंग का कैसा होता काला रंग का काला रंग का होता है काला रंग का होता है याद रखिएगा काला रंग का होता है जो ऑक्सीजन गैस होता है वो फ्लेमेबल गैस नहीं होता है वो फ्लेमेबल नहीं होता है. वो नहीं कि हाँ ऑक्सीजन है तो मार मारचिज जलाई भाग किस न जल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है वो जरे उड़ेगा नहीं याद रखिएगा <laughs> किसी भी चीज को जलाने में मदद करता है ऑक्सीजन लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो ना तो कुछ जलवा नहीं करेगा याद रखिएगा जलाने में किसी भी गैस को जलाने में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है ठीक है लेकिन यहां पर एसिटलिन की बात करें तो ये आपका फ्लेमेबल गैस है ये कैसा गैस है फ्लेमेबल है मतलब प्रज्वलनशील गैस है यह भकाक्ष ना जलेगा और जब जलेगा ना तूफान मचा देगा तूफान मचा देगा ठीक है अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑक्सीजन में जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर इस सिलेंडर में एक रेगुलेटर होता है रेगुलेटर होता है क्या होता है रेगुलेटर होता है, होता है रेगुलेटर रेगुले रेगुलेटर होता है रेगुलेटर होता है रेगुलेटर बता रहा हूं और रेगुलेटर जो होता है कैसा होता है तो आप कहेंगे गुरु जी जो रेगुलेटर होता है वो राइट हैंड थ्रेड इसमें होता है कैसा होता है आप कहेंगे राइट हैंड राइट हैंड थ्रेड इसमें होता है राइट हैंड थ्रेड होता है जो रेगुलेटर पर दिखाई दे रहा है रेगुलेटर रेगुलेटर जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर रेगुलेटर है तो यहीं पर एक नोजल है नोजल यहीं पर आपका कटा हुआ क्या राइट right थ्रेड इसका नाम क्या है आपका नाम है राइट राइट थ्रेड राइट राइट ड इसे कहते हैं राइट हैंड थ्रेड कहते हैं पहला सवाल यह ठोकेगा कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है इसमें किस प्रकार का रेगुलेटर का जो थ्रेड होता होता है रेगुलेटर का जो थ्रेड होता है किस प्रकार का होता है राइट हैंड होता है कि लेफ्ट हैंड होता है तो आप कहेंगे राइट हैंड यह एकदम जहर है देखिए यहाँ जहर लिखा गया है जहर लिखा गया है ये बात याद रखिएगा अब वहीं पर अगर लगे हाथ बात कर दें इनका प्रेशर कितना होता है प्रेशर कितना होता है प्रेशर तो यहाँ पर याद रखिएगा यहां पर प्रेशर जो होता है प्रेशर जो प्रेशर होता है 120 से लेकर के 150 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये एकदम जहर है है, जहर है यार जहर भैया राखी भैया सुमन चौधरी साहब यार देखा आई लिखा प्रेशर कितना होता कहेंगे 120 से 150 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये बात यहाँ नोटियाली है तो कितना बात बताया ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमने कहा

ये आपके लिए क्या है एसीटिलीन का सिलेंडर है एबाऊ हाई सिलेंडर का नाम क्या है कहेंगे एसीटिलीन सिलेंडर है इसमें कौन सा गैस भरा है कहेंगे C2H2 गैस भरा हुआ है C2H2 क्या है गैस है ये कैसा गैस है कहेंगे फ्लेमेबल है ये फ्लेमेबल है फ्लेमेबल यानी इसको कहते हैं ज्वलनशील ज्वलनशील यह कैसा गैस है बाबू तो कहना गुरुजी ज्वलनशील गैस है एक प्रकार का ज्वलनशील क्या है गैस है यानी एक बात और ध्यान दीजिएगा एकदम रगड़ के यहाँ पर तैयार करिएगा एक सवाल यहाँ पर अगर इस सिलेंडर में दाब ज्यादा बढ़ता जाएगा दाब ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ना तो यह एक्सप्लोजन का इसका चांस ज्यादा रहता है विस्फोट का चांस ज्यादा रहता है बहुत खतरनाक गैस है ये याद रखिए खतरनाक गैस है लेकिन इसके खतरनाक को इसके खलनायकी को कम करने के उद्देश्य से इसके अंदरमा डाल दिया जाता है एक मटेरियल इसको कंट्रोल करता है उसका नाम है एसिटोन ये क्वेश्चन आता है कि एसिटिल के सिलेंडर में एक वो स्पोंगी मटेरियल जैसे स्पंज होता है, मतलब है।, है, तो है, है तो स्पंज उसी में एब्जॉर्ब किया रहता है सभी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है जो एसिटिल गैस इसमें रहता है किस फॉर्म में रहता है आप कहेंगे लिक्विड फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन इस सिलेंडर के अंदर इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है सिलेंडर के सिलेंडर के सिलेंडर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर क्या होता है तो आप कहेंगे एक स्पोंगी मटेरियल होता है एक स्पोंगी एक स्पोंगी क्या होता है मटेरियल होता है स्पॉन्गी मटेरियल का मतलब हुआ अस्प इसको कहते हैं स्पंज स्पंज अस्पंजदार, अस्पंजदार क्या होता? होता है और इसका नाम क्या है इसका नाम बड़ा खतरनाक है, है? तो है, है, है।, है तो नाचक पड़ी एंग देखा एंग देखा यार देखा लिखा है एसी गैसवा की बात कर रहा है इसके अंदर स्पोंगी इस मटेरियल फूस के डाल दिया गया है उसका नाम क्या है एसीटोन है है। ये क्या करता? संतृप्त होता है और अपने अंदर इसको क्या करता है तो टू एस टू किस फार्म में लिक्विड फार्म में अब बात करते हैं इसके कलर की बात करते हैं कलर है यार देखा इस सिलेंडर का कलर कैसा होता है आप कहेंगे इसका जो कलर होता है ना गुरुदेव वो कैसा होता मैरून होता है ये मैरून कलर का होता है इसको क्या कहते हैं मरून भी कहते हैं मरून मरून कहते हैं तो किस कलर में है ये ये मैरून कलर में है मैरून कलर का मतलब हुआ लाल कलर <laughs> लाल कलर बड़ा खतरनाक कलर होता है लाल कलर है ना आपने देखा होगा सिग्नल जहां भी होता है लाल कलर का होता है लाल खतरे का सिंबल होता है और आपके घर में जो एलपीजी गैस जाता है वो भी कैसा कलर होता है लाल कलर होता है ठीक है ना तो लाल कलर करने का मतलब यही है कि ये ज्वलनशील है ये फ्लेमेबल गैस है एक प्रकार का ठीक है विस्फोटक गैस है है ना विस्फोट बहुत जल्दी होता है तो इसीलिए इसको किस रंग से रंगा गया है मैरून को को या या इसी को कहीं अगर लिखा हो लाल गहरा लाल लिखा हो गहरा लाल गहरा क्या लिखा हो लाल लिखा हो लाल तो गहरा लाल कलर लिखा होगा तो भी क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा हमारे साथ थोड़ा सा समय और व्यतीत करिए पूरा कॉन्सेप्ट में देने के बाद मैं आपको रण क्षेत्र में लेकर चलूंगा आप देखेंगे

और किस प्रेशर पर है तो आप कहेंगे प्रेशर कहां है यहां पर 120 से 150 है यहां पर राइट हैंड थ्रेड की बात कर रहा है तो यहां पर क्या होगा आप रेगुलेटर में यहाँ पर क्या होगा यहां रेगुलेटर में देखिएगा यहां रेगुलेटर जो लगा होगा इसमें कैसा थ्रेड कटा होगा कहेंगे लेफ्ट 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 हैंड थ्रेड लेफ्ट हैंड थ्रेड एकदम जहर सवाल है जहर सवाल है जहर सवाल है तीन बार जहर बोला हूं ये बात ध्यान दिया भैया तीन बार जहर बोला हूं मतलब पूछेगा ए सी का सिलेंडर का जो रेगुलेटर रिगुरे, रिगुरे, है उसमें थ्रेड कैसा होता है आप कहेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है और उसमें कैसा था तो उसमें कहेंगे राइट हैंड थ्रेड था राइट हैंड थ्रेड था बात समझ गए ना चलो भैया बहुत बढ़िया क्या बात है शानदार तरीके से चलिए अब ये सिलेंडर की बात मैं कर दिया पीछे मैं आपसे बात कर रहा था अब गैस के बारे में बात कर रहा था पहले हम आपको बताते हैं देखिएगा थोड़ा सा कहानी और बताता हूँ दूसरा सिलेंडर लेता हूँ

देखिए दो प्रकार का पाइप है दो प्रकार का पाइप है अब पाइपो पूछता है बाबू पाइपो पूछता कहता है जो है ललका पाइप हुआ है ना ललका वाला जो ललका पाइप हुआ जा रहा है देख रहे ना ये जा करके इसको इसका जाकर के वेल्डिंग टार्च है ये पूरा का पूरा क्या है वेल्डिंग टार्च कहा जाता है इसे क्या कहते हैं देखिए बेल्डिंग टार्च कहा जाता है बेल्डिंग टार्च यहाँ पर कहा जाता है और यहाँ से जो पाइप ये जा रहा है ये भी किस कलर का है तो ये भी लाल कलर का है तो इसको होज पाइप भी कहा जाता है है हाँ ना इसी को होज पाइप कहा जाता है यही गैस सिलेंडर पाइप है ठीक है ना याद रखिएगा इसको होज पाइप कहते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां पर देखिए दूसरा का जो है ये भी कैसा है कहेंगे काला है ये कैसा काला है काला है तो ये कैसा है काला है काला ये देख रहा ना काला है ये घूम करके यहां से ऐसे आया है काला है देख रहा ना और ये ललका वाला कहां से आया घूम करके तो लाल वाला घूम करके आया यहां से ये यह इस तरीके से घूम करके ऐसे आया है देख रहे ना अब आपने देखा यहां पर आपने देखा अब देखिएगा दोनों पाइप का भी कलर याद रखिएगा होज पाइप इसका नाम है होज पाइप कहा जाता है ठीक है ना होज पाइप कहा जाता है अब देखिए यहां पर ये जो आपका वेल्डिंग टॉर्च है ये वेल्डिंग टार्च में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है फ्लेम है इसे क्या कहते हैं फ्लेम कहा जाता है ये क्या है बेटा ये आपका फ्लेम है फ्लेम अब यही फ्लेम जलेगा तो यहां पर जब दोनों गैस यहां पर जाएगा तो दोनों गैस का मिश्रण तैयार कहां होता है तो वेल्डिंग टॉर्च में होता है यहां पर क्या होता है तो आप कहेंगे गैस का मिश्रण गैस का गैस का मिश्रण तैयार होता मिश्रण गैस का मिश्रण क्या होता है तैयार होता है तो गैस का मिश्रण क्या हुआ तैयार हो गया गैस का मिश्रण तैयार हो गया ना थोड़ा ऊपर करिए तो हमको दिखाई नहीं दे रहा कितने बच्चे मेरे साथ हैं इस समय झूम बराबर <laughs> क्या बात है, है यार देखा हाँ ब्लो पाइप भी कहते हैं बहुत बढ़िया है बेटा क्या बात है सूरज भैया आई लव यू एकदम साबा साब बिल्डिंग टार्च को ब्लो पाइप भी कहते हैं एकदम बहुत बढ़िया इसी को ब्लो पाइप कहते हैं ब्लो पाइप भी कहते हैं यही आपका ब्लो पाइप है

सबसे पहले सप्लाई ये जो रेगुलेटिंग वाल्व लगा हुआ है यहाँ से रेगुलेटिंग वाल्व को क्या करेंगे सबसे पहले खोलेंगे इसको खोलेंगे तो सरसराते हुए गैस जाएगा और उसके जस्ट बाद क्या करेंगे इसको खोलेंगे किसको ऑक्सीजन को जब यहाँ पर ललका वाला खोलाएगा तो जब यहाँ जरेगा तो जैसे गंगम ढेबरी होता लब 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 इसे, भागता ना ढेबरिया गांव में लालटेन होता ढेबरी होता ढेबरी जानते होंगे है ना गांव क्षेत्र का हूं ना मैं तो ढेबरी की तरह ऐसे ऐसे क्या होता है ढेबरी की तरह जलता है उसको ताकत प्रदान करने का काम किसका है, है जो जा रहा करीका वाला यहां से जो ऑक्सीजन गैस जा रहा है यह जब जाएगा तो यहां पर देखिए दो यहां पर यहां पर लगा हुआ है कंट्रोल करने वाला क्या लगा है एक आपका स्क्रू टाइप है तो इसको नोजल में क्या किया जाता है इस सप्लाई को बढ़ाने घटाने के लिए यानी ऑक्सीजन की मात्रा या तो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा या तो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा दोनों काम होगा दोनों का दोनों काम यहां होता है याद रखिएगा तो सबसे पहले कौन से सिलेंडर को खोलेंगे आप कहेंगे एसिटलिन को और सबसे पहले बंद किसको करेंगे तो लास्ट में बंद इसी को करते हैं उसके बाद ऑक्सीजन वाले को बंद करते हैं बात समझ गए ये बात आप समझ गए ये बात आप समझ गए तो अब हम थोड़ा सा बात बताते हैं आपको गैस फ्लेम के बारे में बात करता हूं अब देखिएगा ये आपका क्या है बेटा ये आपका गैस फ्लेम है इसका नाम क्या है अब देखिए गैस फ्लेम अब मैदान में आ रहा क्या गैस फ्लेम ये क्या है गैस फ्लेम है गैस फ्लेम में देखिए सबसे पहले जो गैस फ्लेम होता है वो कौन सा होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रल फ्लेम होता है न्यूट्रल फ्लेम होता है और इसे कहा जाता है क्या उदासीन इसी को उदासीन कहा जाता है उदासीन उदासीन ज्वाला कहा जाता है उदासीन ज्वाला कहा जाता है अब देखिए जो उदासीन ज्वाला होता है कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा ठीक है ये आपका क्या है बेटा यहां पर देखिएगा ये आपका देखिएगा ये आपका फ्लेम है ये फ्लेम का लेंथ है टोटल फ्लेम का लेंथ है उसके जस्ट बाद एक लेयर और आपको दिखाई देगा एक लेयर और दिखाई देगा फ्लेम का और उसके अंदर भी एक आपको लेयर दिखाई देगा फ्लेम का एक लेयर और दिखाई देगा ये फ्लेम का लेयर ये वाला है ठीक है ना तीन लेयर आपको दिखाई दिया और ये आपका क्या हो गया नोजल हो गया ये क्या हो गया नोजल हो गया एक पाइप ये लगा है और एक पाइप ये लगा हुआ है अब देखिएगा अभी हमने बताया जो बेल्डिंग टॉर्च होता है जो ब्लो पाइप होता है वो मिक्सिंग चैंबर होता है जहां पर मिलाया जाता है गैस को यहां से एक से जाएगा क्या ओ और एक से क्या जाएगा तो कहेंगे सी टू जाएगा अब सबसे पहले सी टू जाता है अब ओ की मात्रा बटा, बढ़ाने घटाने का होता है देखिएगा तीन लेयर है तो तीन लेयर में ये जो लेयर आपका अंदर वाला है ये बड़ा खतरनाक होता है सबसे ज्यादा हीट यहीं पर होता है जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे फ्लेम ये आपका पूरा का पूरा क्या है फ्लेम है फ्लेम जब आप लेफ्ट से राइट right की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है घटता है टेम्परेचर घटता है यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होगा इनर कोर का होगा ये कौन सा है ये आपका इनर कोर है ये इनर कोर कहा जाता है और ये जो बाहर का है इसे बाहर का क्या कहते हैं आउटर इनवेलप कहते हैं ये आउटर इनवेलप होता है इनवेलप होता है आउटर इनवेलप होता है यानी सर्वाधिक तापमान कहां देखने को मिलेगा तो सबसे अधिक ताप यहां पर मिलेगा देखने को यानी सर्वाधिक ताप होगा यहां पर क्या होगा यहां पर सर्वाधिक ताप होगा सर्वाधिक ताप होगा सर्वाधिक तापमान होगा याद रखिएगा सर्वाधिक ताप मान यहां पर होगा ठीक है ना ये बात आप समझ गए अब देखिएगा अब इस वाले फ्लेम में क्या करते हैं इस वाले न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है ओ टू की जो मात्रा होती है सी टू एस टू के बराबर होती है पहला फैक्ट याद रखिएगा जो न्यूट्रल फ्लेम होता है जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसमें दोनों की मात्रा क्या होती है बराबर बराबर फ्लो कराई लाई जाती है लेकिन फिर भी अगर हम आपसे बताएं एक बात बताएं तो जो न्यूट्रल फ्लेम होता है ना उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है लेकिन वास्तविकता आपके सामने ये है ये पहला फैक्ट हो गया दूसरा देखिए इन दोनों का अनुपात क्या होता है अनुपात यानी रेशियो क्या होता है किस रेशियो में जाता है तो आप कहेंगे एक संबंध एक तो यह भी आपके लिए एक जहर इंपॉर्टेंट सवाल हो गया यानी ऑक्सीजन और सी टू जो गैस यहां पर जाएगा वो बराबर बराबर मात्रा में जाएगा बात समझ गए ना ये भी फैक्ट आप यहाँ पर याद रखिएगा यह भी फैक्ट याद रखिएगा वेरी वेरी आपका क्या है जहर है वेरी वेरी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है बात समझ गए ना चलिए तो बात समझ गए बहुत अच्छी बात है चलो भाव लेकिन यहां पर अगर देखा जाए वास्तविक क्या है अगर यहां पर वास्तविक की बात करें वास्तविक तो वास्तविक क्या कहेंगे कहेंगे से इज इज टू टू क्या क्या होता एक होता 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 एक एक है है देख ना वास्तविकता यह है लेकिन आपका जो ऑप्शन रहेगा ये वाला ऑप्शन रहेगा तो ये आपके लिए क्या हो गया यह आपके लिए जहर हो गया अब इस फ्लेम के अगर हम प्रयोग की बात करें कि एप्लीकेशन इसका क्या है इसका एप्लीकेशन क्या है एप्लीकेशन देखिएगा जो न्यूट्रल फ्लेम होता है न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन वो किसी से कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछेगा कि किस फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है तो आप एक ही बात चिल्ला कहना न्यूट्रल का किया जाता है यही आपको आंसर ठोकना है यही वाला आपको आंसर ठोकना है सबसे ज्यादा सभी मेटल के लिए उपयुक्त जो होता है न्यूट्रल फ्लेम ही होता है ठीक है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एटमोस्फेरिक एटमोस्फेयरिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है ना बात आप समझिए अप्लीकेशन में अगर हम बात करें इसके अप्लीकेशन की बात करें तो अप्लीकेशन में देखिए एक आपका माइल्ड स्टील है एक आपका स्टेनलेस स्टील है स्टेनलेस स्टील आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा तो माइल्ड स्टील और साथ में स्टेनलेस स्टील और साथ में कास्ट आयरन का भी क्या होता है कास्ट आयरन आपने कास्ट आयरन का, का भी नाम सुना होगा कास्ट आयरन जो कि कपोला फरने से प्राप्त होता है कास्ट आयरन की बेल्डिंग करने में भी इसका उपयोग होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ठीक है ना ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया ठीक है और वहीं पर कॉपर की बात करें एल्मोनियम की बात करें किसकी बात करें कॉपर की बात करें और किसकी बात करें एल्यमोनियम की बात करें एल यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमियम का भी क्या होता है बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है तो यह क्या है उपयुक्त है ये कौन सा फ्लेम यहां पर उपयुक्त होगा आप कहेंगे न्यूट्रल का इस्तेमाल होगा न्यूट्रल होगा? फ्लेम होगा. क्या, क्या बात है बहुत बढ़िया एकदम झोंके रहिए साहब का लाडला सर आप बहुत अच्छे से बढ़ा दे थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये हो देखिए ये फ्लेम हो गया आपका कौन सा फ्लेम हुआ आप कहेंगे न्यूट्रल वाला हो गया कहानी संपन्न हुआ अब यहां पर इस न्यूट्रल फ्लेम का एक बात तो मैं बताया ही नहीं एक बात बताया नहीं कि यहां पर तापमान इसका कितना होगा सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताया ना भूल ही गया यहां पर देखिए जो इसका टेम्परेचर होता है फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है जो टेम्परेचर होता, हो, होता? होता है बत्तीस सौ क्या होता है पचास डिग्री सेल्सियस होता है बत्तीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस होता है अलग अलग किताबों में अलग, अलग अलग लिखा होगा इसका मतलब कंफ्यूज की जरूरत नहीं है ऑप्शन आएगा पहचान जाएंगे ठीक है बत्तीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस होता है न्यूट्रल फ्लेम का अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं किसके बारे में अब दूसरा आपका आ गया मैदान में ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का नाम आ गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपका है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखिए ये आपका नोजल हो गया ये टॉर्च हो गया ये टॉर्च हो गया यहां से एक जाएगा ओ टू जाएगा और यहां से एक जाएगा कौन सा सी टू एस टू जाएगा ठीक और यहां पर दमदमा करके एक बनेगा फ्लेम बनेगा ये फ्लेम बन गया तीन लेयर यहां भी बनेगा ये आपका इनर कोर है ठीक है इनर कोर है अब देखिएगा ये फ्लेम है फ्लेम है और एक आपका ये हो गया आपका ये हो गया तीन लेयर हो गया ठीक है ये आपका इनर कोर है तो यहां पर देखिएगा इनर कोर है अब यहां पर क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हुआ ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता ऑक्सीजन को बढ़ाना यानी अब ये जो वेल्डिंग टार्च यहां पर दिखाई दे रहा है ब्लो पाइप जो दिख रहा है यहां पर क्या होगा ओटू की मात्रा झोंक दिया जाएगा ओटू की मात्रा क्या कर देंगे बढ़ा देंगे किससे सी टू एस टू की कंपेयर में यानी कम मात्रा में कौन सा गैस जाएगा सी टू एस टू और ज्यादा में क्या जाएगा O2 जाएगा तो जब O2 जाएगा ज्यादा मात्रा में तो ज्यादा तेजी से क्या करेगा तापमान को बढ़ाएगा यानी सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि तीन प्रकार के फ्लेम में सर्वाधिक तापमान किसके पास होता है तो आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के पास होता है और जितना भी प्रकार का वेरी वेरी जहर सवाल अब ये हो गया अब देखिए इनका अनुपात क्या होता है रेशियो क्या होता है इनका रेशियो क्या होता है संबंधी क्या होता है एक होता है और टू है वन क्या है आपका C2H2 अनुपात में जा रहा है यह बात यहां पर भैया यह पर रगड़ दीजिएगा नहीं तो यहाँ पर चौपट हो जाएगा मैटर ठीक है अब यहाँ पर तापमान की बात करते हैं टेम्परेचर कितना होता है तो चौंतीस सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस चौंतीस सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस क्या होता है तापमान यहाँ का होता है ठीक है कितना होता है चौंतीस सौ चौतीस सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ का होता है इनर कोर का होता है जो कि मैं बता चुका हूँ आपको परेशान मत होइएगा बैच बाई कर किया था और उसका पेमेंट भी अच्छा अच्छा तो एक बार आप दिया गया नंबर पर छोकि वहाँ पर फोन आइए वहाँ पर फोन आइए यहाँ पर हम हाँ यहाँ क्लास लेना क्लास में हम कहा आप सब सोल्यूशन देंगे बताइए सोल्यूशन हम क्या दें बेटा यहाँ पर बताइए बात आप समझ गए ना चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है तो ज़्यादातर इसका जो यूज होता है यानी एप, एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ होता है तो कहेंगे कटिंग कटिंग मेटल के लिए कटिंग मेटल मेटल को काटने उठने के लिए सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है तो ये हो गया दूसरा का अब तिस्र का देखिए जो तिस्र का आपका फ्लेम है उसका नाम है कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा एक आपका रिड्यूसिंग फ्लेम कहा जाता है इसी को कार्बुराइजिंग कहते हैं यही आपका कार्बुराइजिंग फ्लेम है ये फ्लेम कहा जाता है या इसी को क्या कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं एक ही सवाल इससे जबरदस्त पूछता है बच्चा अच्छा अच्छा नाचता है आपने आप टेक्निकल के आदमी हैं तो एक बात मैं आप सभी लोग बता रहा हूं आपने हीट ट्रीटमेंट पढ़ा होगा हीट ट्रीटमेंट में एनलिंग uh, पढ़ा होगा नॉर्मलाइजिंग पढ़ा होगा हार्डनिंग पढ़ा होगा टेम्परिंग पढ़ा होगा और केज हार्डनिंग पढ़ा होगा केज हार्डनिंग का मतलब होता है कि बाहर वाला जैसे मान लीजिए कोई आपका ये सॉफ्ट है मान लीजिए कोई एक, ए, एक, प्रकार का क्या है सॉफ्ट है ये क्या है बेटा एक एक प्रकार का सॉफ्ट है ये सॉफ्ट है ना सॉफ्ट है सॉफ्ट सॉफ्ट जानते, जानते हैं ना सॉफ्ट हाँ जानते हैं तो ये क्या सॉफ्ट क्या करता है रोटेट करने का काम करता है रोटेट करने का काम करता है तो इसके आउटर सरफेस को क्या किया जाता है हार्ड बनाया जाता है हार्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटर सरफेस हुआ है जो आउटर वाला सरफेस है ना आउटर वाला आउटर जो सरफेस यहाँ पर दिख रहा है इस आउटर सरफेस को क्या कर दिया जाता है हार्ड कर दिया जाता है और अंदर वाला माल एकदम वैसे ही डक्टाइल होता है जैसे आपने दस रुपया वाला आइसक्रीम खाया होगा भैया हमारे जमाने में दस रुपया चलता है वही मैं खाता हूँ दस रुपया वाला तो एक आपने चोको बार खाया होगा चोको बार तो जैसे चोको बार काटते हैं ना कटाख ना तो अंदरवा एकदम मार एकदम लब हुए क्या होता है नरम होता है ना नरम का मतलब मुलायम मुलायम पदार्थ होता है बाहर जो चॉकलेट का आवरण होता कैसा होता हार्ड होता है तो वास्तव में तेज हार्डनिंग जो किया जाता है वह रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस का मतलब सॉक्स को सॉक्स को एब्जॉर्ब करने के उद्देश्य से वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के उद्देश्य से जितने भी प्रकार के सॉफ्ट बनते हैं ट्रक में जितने भी गाड़ियां हैं जिसमें सॉफ्ट इस्तेमाल किया जाता है वो सभी के सभी सभी के सभी कहा होता है बेटा वह केस हार्डनिंग किया जाता है क्या होता है इस पर केस हार्डनिंग होता है केस हार्ड हार्डनिंग होता है केस हार्डनिंग का मतलब हुआ आउटर सरफेस को कठोर बना देना हार्ड बना देना और अंदर का माल एकदम कैसा रहेगा मुलायम रहेगा सॉफ्ट रहेगा जो अंदर का ये वाला दिख रहा है ना ये वाला यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये क्या है ये आपका कोर है कोर इसे कोर कहा जाता है कोर कैसा होता है सॉफ्ट होता है सॉफ्ट ठीक है ना सॉफ्ट होता है बात आप समझ गए तो ज्यादा मात्रा में इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है इसी के लिए होता है बस यही सवाल आपसे पूछेगा पेपर में कि केज हार्डनिंग या किसी भी मेटल को हार्ड बनाने के लिए कौन सा फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसी को क्या करते हैं गर्मी आते हैं और गर्मी आने के बाद जाके पानी में डुबा देते हैं जाओ हो गया केज हार्डनिंग हो गया है भैया हो गई लोग गरमा देंगे इसको इसी से ठीक है और जब गरमाएगा सीधे पानी में उसको डालेंगे सीधे क्या हो जाएगा ये पूरा बाहर का माल टाइट हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में देखिएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में यहां पर जो ओटू की मात्रा होती है वो कम कर दी जाती है सी टू एस टू की तुलना में यानी अब ओटू कम जाएगा सी टू एस टू ज्यादा जाएगा तो जब ओटू ज्यादा जा रहा तो ज्यादा तापमान और जब ओटू कम तो तापमान क्या होगा हड़ाकसना क्या होगा गिर जाएगा और यहां पर जो रेशियो होगा ना यहां पर रेशियो दोनों का रेशियो जो होता है जीरो पॉइंट नाइन संबंध क्या होता है एक होता है तो यह भी रगड़ दीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट बात बताया हूं बेटा भूलिएगा मत अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा यहां पर तापमान कितना होता है तापमान होता है इकतीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस इकतीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस होता है अब आपने एक चीज देखा नहीं देखा दिखा रहा हूं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं परेशान मत होइएगा ठीक है ना यहां पर इसके एप्लीकेशन की अगर बात किया जाए एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में याद रखिएगा मोनेल मेटल क्या एक मोनेल मेटल होता है यही सवाल खूब ज्यादा आता है पेपर में और इसका नाम क्या है जहर है हाई देखा क्या लिखा बाबू जहर लिखा है जहर जहर लिखा है जहर।, जहर, जहर यार देखा है यार है भैया लाइक वाइक का बटन ठोकिए ना मानो डिसलाइक ठोकिए दबाइए लेकिन जरूर दबाने बिना काम नहीं चलेगा एकदम दबाइए वहां से मोनेल मेटल होता है क्वेश्चन आता है कि मोनेल मेटल की वेल्डिंग किससे होता है तो आप कहेंगे गुरुजी मोनेल मेटल का वेल्डिंग है क्या ये, ये जो है कार्बोनाइजिंग फ्लेम है रिड्यूसिंग फ्लेम है और मोनेल मेटल का मतलब क्या हुआ मतलब हुआ निकिल प्लस कॉपर और प्लस आयरन आयरन का मतलब फेरस इनका क्या होता है एलॉय होता है इनका क्या होता है एलॉय होता है यानी आप निकिल कॉपर एंड फेरस फेरस का मतलब आयरन एफ ही ठीक है ना इन्हीं का एलॉय कहा जाता है सर ये क्लास रेगुलर रहेगा क्या अब हाँ, हाँ, स्टार्ट आज तो मैंने स्टार्ट अभी किया इतनी जल्दी क्या है अभी तो मैंने आज खेला शुरू किया है है ना खेला शुरू हो गया ठीक है मिलेगा मिलेगा परेशान ना हो मिलेगा ठीक है तो चलिए झोंक करके पढ़िए बात आप समझ गए तो तीनों प्रकार के फ्लेम के बारे में एक बात मैं बताता हूं सबसे पहले देखिएगा मैं किसकी बात करूंगा सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोराइजिंग का

कार्बोराइजिंग अब देखिएगा यहां पर एक बात आपको समझना है दिमाग लगाना बाबू हेकर नाम का हो हेकर नाम है न्यूट्रल हनुमान जी है न्यूट्रल ये न्यूट्रल भाई साहब ये न्यूट्रल कह रहे हैं ये हो गया कार्बुराइजिंग ये कौन हुआ कार्बोराइजिंग हो गया ये कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया हेकर नमुआ का है बाबू हेकर नमुआ हो गया देखिए इसका नाम है इसका नाम है न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल फ्लेम ये कौन सा फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर, यहां पर जरा देखिएगा यहाँ पर हमने कहा एक लेयर और होगा और बीचवा में एक लेयर और होगा बीचवा में एक लेयर और होगा ये इनर कोर है जो इनर कोर होता है ये कैसा कलर होता है तो आप कहेंगे ब्लूविश ब्लूविश व्हाइट कलर होता है ब्लूविश व्हाइट कलर होता है कैसा होता है ब्लूविश व्हाइट कलर होता है और जो आउटर जो होता है इसका कलर ये कैसा होता पर्पल होता पर्पल होता पर्पल ठीक है ना <coughs> आ, <coughs> पानी है, है? चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर बताता हूं झोंक करके बताता हूं बेटा परेशान ना होइएगा ठीक है ना देखिएगा इधर इधर देखिएगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इनर वाले का कलर कैसा ब्लू विश हाइट हो गया आउटर वाले कैसा हुआ पर्पल हुआ और अंदर वाला जो का लेयर है ये लाइट ब्लू है ये आपका लाइट गुण 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 होता है। लाइट ब्लू ब्लू कलर कलर होता होता है तो सवाल आपसे ये पूछेगा सवाल यह पूछेगा आपसे सवाल ये पूछेगा कि जो आपका फ्लेम होता फ्लेम का इनर कोर जो होता है वो किस कलर में होता बनता आप कहेंगे ये आपका क्या होता है ब्लूइश विश वाइट कलर में होता है ठीक है ना ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है देखिए एक बात आपको यह समझना है यहां पर तापमान किसका है तो आप कहेंगे इसका जो है कितना इसका टेम्परेचर तो आपने बत्तीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस बताया है। अच्छा, हमने कहा अच्छा इसका बताइए तो आप कहेंगे इसका गुरु जी आपने टेम्परेचर जो बताया था ना वो टेम्परेचर कितना है तो आप कहेंगे चौंतीस सौ अस्सी अस्सी डिग्री सेल्सियस है अब जरा ध्यान दिमाग लगाइए दिमाग लगावा है ना दिमाग लगा दिमाग लगाओ यहां पर ये यह फ्लेम का लेंथ है फ्लेम का लेंथ है फ्लेम का लेंथ है फ्लेम का लेंथ है ये फ्लेम का लेंथ है सवाल आप देख करके बताइए सवाल ठोकेगा कि तीनों फ्लेम में किस फ्लेम का लेंथ है? जो होता है फ्लेम लेंथ सबसे कम होता है आप कहेंगे जिसका तापमान ज्यादा होगा उसी का फ्लेम का लंबाई भी सबसे कम होगा उसी के फ्लेम की लंबाई भी सबसे कम होगी ये बात ध्यान दिया ठीक है ना बहुत बहुत जहर सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बात बताया हूं ठीक है ना यानी जो फ्लेम लंबा होगा वो ज्यादा हीट पैदा नहीं कर पाएगा जो छोटा होगा वो ज्यादा हीट पैदा करेगा छोटा कैसे होता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से ये बात आप समझ गए अब चलिए अब थोड़ा सा फिलर रॉड की बात करता हूं किसकी बात करता हूं फिलर रॉड की बात करता हूं फिलर रॉड देखिए जो फिलर रॉड होता है फिलर रॉड ये आपका आपने देखा ये आपका क्या है ये आपका जॉब है ये आपका क्या है बेटा ये देखिए ये आपका क्या है टॉर्च है ये आपका क्या है ये आपका टॉर्च है यहां से गैस जा रहा है और यहाँ से बन रहा है क्या यहाँ से आपका फ्लेम बन रहा है ये आपका फ्लेम बन रहा है और यहाँ पर क्या होगा मेटल यहाँ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से क्या करेंगे एक फिलर फिलर रॉड इस्तेमाल करेंगे इसका नाम क्या है फिलर रॉड ये आपका क्या है फिलर रॉड है अब देखिएगा जो फिलर रॉड होता है वो उसी मेटल का होता है जैसे पेरेंट मेटल होगा जैसा कि पेरेंट मेटल होगा जैसा कि पेरेंट मेटल होगा उसी मेटल का होगा यानी यानी याद रखिएगा फिलर मेटल फिलर, फिलर जो मेटल होता फिलर मेटल फिलर मेटल पेरेंट मेटल पेरेंट मेटल पेरेंट मेटल मेटल के कंपोजिशन का होता है के कंपोजिशन का कंपोजिशन का होता है ठीक है ना यानी जिस मेटल का बना होता है आपका बेस मेटल उसी का होता है फिलर रॉड अब देखिए फिलर रॉड जो इस्तेमाल होता है इस फिलर रॉड के लिए एकदम जहर बात बता रहा हूं ये फिलर रॉड का जो डाया होता है यानी जो फिलर रॉड फिलर जो रॉड होता है इस रॉड का डायमीटर की अगर बात करें डायमीटर की बात करें डायमीटर कितने डायमीटर का इस्तेमाल होगा तो डी डी का मतलब क्या हुआ डायमीटर ये देखिए फिलर रॉड आपका ये है, ये फिलर है? तो फिलर का ये है है फिलर फिलर रॉड रॉड तो तो का डी हो गया ना ये पूरा का, पूरा का क्या हुआ बेटा ये डी हुआ डी ये बात आप समझे डायमीटर तो डायमीटर इसका इस्तेमाल कितना होगा मतलब कितना मोटा आपको लेना है तो देखिएगा ये जो टोटल थिकनेस होता है इसका इस प्लेट का जो थिकनेस है थिकनेस में क्या करते हैं दो से भगीते हैं और प्लस यहां पर एक जुड़ जाते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया एम एम हो गया इतने एम एम का क्या होता है ये आपका डायमीटर होता है तो ये बात यहां पर लपेट लीजिएगा ठीक है ना वे जहां पर क्या है जहां जहां पर टी क्या होता है टी टी जो होता है थिकनेस थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ क्या होता है थिकनेस ऑफ क्या होता है प्लेट होता है थिकनेस थी, ऑफ प्लेट होता है यानी थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल होता है ये बात आप समझ गए ना बहुत बढ़िया चला ये बात आप समझ गए तो फिलर रॉड की भी बात हो गया अब फिलर रॉड की बात हो गया तो अब हम बात करते हैं फ्लक्स का अब हम बात करते हैं फ्लक्स की बात करते हैं फ्लक्स का देखिएगा जब यहां पर, यहां पर पर बिल्डिंग होता है तो यहां पर एटमोस्फियर में होता है ओपन एटमोस्फियर में होता है और ओपन एटमोस्फियर में होगा ना तो से ना क्या होगा विभिन्न प्रकार के गैसेज जाएंगे और हाई लिक्विड मेटलवा से क्या करेंगे रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया यहां हो जाएगा तो उसी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए साथ में जब आर्क बिल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग करते हैं तो वहां पर स्पैटरिंग भी होता है स्पैटरिंग का मतलब जहां आर्क बिल्डिंग होता है वहां छितता है बहुत तेज है छितने का मतलब क्या हुआ स्पैटरिंग कहा जाता है उस स्पैटरिंग को रोकने के लिए और एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन को कम करने के लिए यानी वातावरण वातावरणी जो दुष्प्रभाव होता है उसको कम करने के उद्देश्य से क्या होता है यहाँ पर फ्लक्स का इस्तेमाल होता है तो फ्लक्स क्या होता है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फ्लक्स का होता है ए बाबू है यार जितना भी यहाँ पर गलने वाला मेटल है हाई पैरेंट मेटल है ये फिलर मेटल है आज सतवा में यहाँ फ्लक्स इस्तेमाल होगा और फ्लक्स इसी फिलर मेटल के साथ लपेट करके आएगा तो सबसे पहले मेल्ट होता है फिलर मेटल और फिलर मेटल जैसे मेल्ट होगा भन जैसे यहाँ पर गैस का एक आवरण बना देगा एक जबरदस्त तरीके से गैस का आवरण यानी जैसे मच्छरदानी आप लगाते हैं ना मच्छर नहीं आता है मच्छर मारते हैं ना <laughs> तो जब मच्छरवा से बचने के लिए क्या करते हैं मच्छरदाएं लगाते हैं उसी प्रकार से यहां पर एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाने के लिए यहां पर सबसे पहले फ्लक्स गलेगा और गल करके एक वातावरण गैसी वातावरण बना देता है उसी गैसी वातावरण में क्या होता है प्रोटेक्ट रहता है ये जो मोल्टेन मेटलवा है मोल्टेन मतलब गला हुआ मेटल है बात समझ गया ना तो यहां पर देखिएगा फ्लक्स की बात किया जाए तो यहां पर ये ऑक्साइड और एम्प्यूटिस को क्या करता है यह यह देखिएगा यह ऑक्साइड व एम्प्यूटीज एम्प्यूरिटीज एम्प्यूरिटीज एम्प्यूटीज का मतलब होता है जो भी मेटल होता है उस मेटल के अंदर बहुत सारे एम्प्यूरिटीज होते हैं जैसे सल्फर के फार्म में होता है ठीक है फास्फोरस के फार्म में होता है तो सिलिकॉन के फार्म में होता है ये सभी सभी मेटल के अंदर एम्प्यूरिटीज होते हैं जैसे आप पिग आयरन का नाम सुने होंगे पिग आयरन तो पिग आयरन एक रॉ मटेरियल होता है जो कि आयरन ओर से प्राप्त होता है लौह अयस्क से प्राप्त होता है क्या आप कहेंगे पिग आयरन तो पिग आयरन जो प्राप्त होता है बहुत सारे एम्प्यूरिटीज को निकालने के बाद उसके बाद भी पिग आयरन में बहुत सारा एम्प्यूरिटीज होता है बहुत सारा एम्प्य होता है ये उसको पहले बता देता हूं यहां पर देखिए एक आपका रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल होता है है ना इसको लौह अयस्क कहते हैं फेरस लौह अयस्क कहा जाता है कौन सा लौह अयस्क तो लौह अयस्क से क्या प्राप्त होता है बेटा आप कहेंगे इससे गुरु जी जो प्राप्त होता है ना उसका नाम है पिग आयरन ये पिग आयरन जो प्राप्त होता है ये कैसे होता है तो इस लोह लोह को क्या करते हैं यहां फर्नेस में डालते हैं फर्नेस का मतलब होता है भट्टी में क्या करते हैं इसको पिघलाते हैं लोह अयस को और जब पिघलाएंगे तो इसमें क्या होता है जो भी एम्प्यूटीज होता है वो हल्का होता है जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना हाई लोह अयस्कवा तो उसके ऊपर हमारे जैसे सरब जब घोलते हैं पानी में डब डब डबक करके

इलेक्ट्रिक करते करते हैं, फर्नेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस से क्या फर्सनेट्रिक फएगा स्टीलेंगे पशु आहार ठीक है ना चला विद्युत का कुचालक होता है विद्युत का कुचालक होता है लेकिन जब हीट के प्रभाव में आता सबसे पहले वही मेल्ट होता है बहुत बढ़िया बेटा यहाँ देखा पीछे यह ऑक्साइड और एम्प्यूटीज को क्या करता है को हटा देता है हटा देता है कौन हटा देता है तो आप कहेंगे यही हटा देता है ठीक है यही हटा देता है कौन हटाता है बात आप समझ गए हैं ठीक है ना ये बात आप समझ गए तो पूरी तरीके से एटमोस्फेरिक प्रोटेक्शन देता है एटमोस एटमोस्फियरिक एटमोसफियरिक क्या देता है एटमोस्फेरिक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रदान करता है प्रोटेक्शन प्रदान करता है प्रदान करता है कैसे करता है कैसे हमने कहा कैसे करता है कैसे तो आप कहेंगे गुरु जी गैसियस शील्ड बनाते हैं गैसियस गैसियस शील्ड बन जाता है गैसियस शील्ड क्वेश्चन ये आता है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है तो आप कहेंगे उसी का होता है फ्लक्स का होता है तो ये बात आप समझ गए फ्लक्स में अगर देखा जाए तो यहां पर बोरेक्स और कौन सा हमने बताया सोडियम क्लोराइड बोरेक्स और सोडियम बोरेक्स व सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड का क्या होता है क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है किसका बोरेक्स और सोडियम क्लोराइड का तो बात यहां पर आप समझ गए ना बहुत बढ़िया एक बात और एकदम जहर बात मैं लिख दे रहा हूं यहां पर यह सवाल आता है यहां पर देखिए जहर लिखा तो यह सवाल आता है यह सवाल क्या आता है देखा भा सवाल क्या पूछता है कि फ्लक्स कि, किस किस फॉर्म में होता है किस किस फॉर्म में होता है तो आप कहेंगे गुरु जी ये तो एक लिक्विड फॉर्म में होता है ये कैसे होता है लिक्विड फॉर्म में होता है एक कैसे फार्म, 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 फार्म में होता है ठीक फार्म में होता है ना लिक्विड पेस्ट और यहां पर, यहां पर लिक्विड पेस्ट और यहां सॉलिड लिखाया पाउडर होता है क्या होता पाउडर होता पाउडर यानी एक ही लाइन यहाँ पर याद रखना है कि यह लिक्विड ये गैस फार्म में नहीं होता है गैस के फार्म में नहीं होता गैस के फार्म में नहीं होता फार्म में नहीं होता है नहीं होता है तो गैस के फार्म में नहीं होता है ये बात यहां आप समझ गए ठीक है यही सवाल झोंकता है कि निम्न में से किस अवस्था में फ्लक्स नहीं पाया जाता है बात आप समझ गए ठीक है ना भैया बात समझ गए बहुत बढ़िया क्या बात है झोंके बाहू झोंकेरा झोंकेरा हेयर देखा है यार देखा अब आप बात करते हैं गैस बिल्डिंग के बारे में गैस बिल्डिंग करने के जो सिस्टम है जो सिस्टम है दो प्रकार का सिस्टम है सिस्टम कितने प्रकार का कहेंगे दो प्रकार का सिस्टम होता है दो प्रकार का दो प्रकार का क्या होता है दो प्रकार का सिस्टम होता है पहला जो सिस्टम होता है देखिएगा पहला जो होता है, वो कौन सा होता है हाई 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 सिस्टम मेथड पहला आपका सिस्टम कौन सा हो गया आप कहेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर सिस्टम मेथड क्या मेथड है तो इस मेथड में देखिएगा क्या होता है इस मेथड में जो होता है ओ और एक कौन होता है सी टू एस टू इन दोनों को क्या करते हैं हाई प्रेशर के साथ याद रखिएगा हाई प्रेशर के साथ हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं साथ सिलेंडर साथ में साथ सिलेंडर में भर देते हैं भर देते हैं ये बात आप समझ गए यानी हाई प्रेशर सिलेंडर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है बेटा अरे भैया सूरज यार देखा दूठो सिलेंडर रहेगा दोनों में खचाखच एकदम भर दिया जाएगा दोनों में खचाखच भर दिया जाएगा और जाकर के जहां बिल्डिंग करना होगा मार गनगना कर मारोकस फोकस फोकस करते हैं पूरा बिल्डिंग हो जाता है बात समझ गया ना हाई प्रेशर दूसर का कौन सा है तो आप कहेंगे लो प्रेशर एक आपका लो प्रेशर लो प्रेशर सिलेंडर लो प्रेशर सिलेंडर सिस्टम होता है कौन सा होता है वाला होता है अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं यहीं से सवाल बनता है इसमें क्या करेंगे लो प्रेशर में तो ऑटो जो गैस होता है ये तो हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में पैक कर देंगे हाई प्रेशर हाई प्रेशर सिलेंडर में क्या हो जाएगा भरा जाएगा यहां पर देखिएगा ऑटो को हाई प्रेशर सिलेंडर में भर दिया जाएगा लेकिन यहां पर भैया ए को भरा नहीं जाएगा अपने आप भराएगा अपने आप भराएगा कैसे भराएगा देखिएगा अब यहां पर ओटू की बात हो गया ओटू की बात हो गया हम बात करते हैं किसके बारे में सी टू एच टू की बात करते हैं किसकी बात करते हैं सी टू एच टू तो सी टू एच टू गैस जो होता है ये जो गैस होता है इसको क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूस और प्रोड्यूस करके क्या करते हैं सिलेंडर में भरते हैं कैसे होता है देखिएगा यहाँ पर कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा ध्यान प्यार मोहब्बत से देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखिए यहां पर लो प्रेशर सिलेंडर सिस्टम में क्या होता है सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं ये देखिए क्या लिखा हुआ कैल्शियम कार्बाइड कहीं भी गैस बिल्डिंग जहां भी आपके नजदीकी आसपास जहां भी गैस बिल्डिंग हो रहा होगा आप जाएंगे जब देखेंगे ना वहां पर तो वहां पर बगलिया में डिब्बा होगा डिब्बा एकदम सफेद सफेद होगा चारों तरफ एकदम सफेद सफेद होगा वही है कैल्शियम कार्बाइड जब डालते हैं ना और सतवा में क्या होता पानी होता पानी वही पानी रे पानी तेरे रंग कैसा इस कैल्शियम कार्बाइड को डाल देंगे पानी में उसी सिलेंडर के अंदर पानी होता है उसमें डाल देंगे उसके बाद क्या होगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा प्लस आपका वो गैस बनेगा जो आपको चाहिए C2H2 बनेगा अब यही C2H2 गैस जो निकलेगा इसी गैस को क्या करते हैं लो प्रेशर के साथ लो प्रेशर के साथ लो प्रेशर के साथ के साथ क्या करते हैं के साथ क्या करते हैं सिलेंडर में भर देते हैं सिलेंडर में सिलेंडर में क्या करते हैं भर देते हैं भर देते हैं भर देते हैं ये बात आप समझ गए तो ये रिएक्शन याद रखिएगा रिएक्शन कैसे आया है कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिल गया यही है चूना चूना हो चूना चूना चूने से झड़ने को बचाने वाला चाहिए भैया यार देखा अकेला हाँ। बात आप समझ गए तो दो प्रकार का सिस्टम मैं आपको बताया दो प्रकार का सिस्टम होता है एक तो सीधे आप दोनों सिलेंडर लीजिए दोनों में ठूसम ठूस भर दीजिए हो गया हाई प्रेशर हो गया खेला खत्म दूसरा का जो है लो प्रेशर सिलेंडर का मतलब क्या हुआ लो प्रेशर का मतलब एक ही होता है कि एसिटिन को क्या करते हैं को लो प्रेशर के साथ भरते हैं पैदा करते हैं कैल्शियम कर, कार्बाइड से और ओटू को खचाखच भरते हैं हाई प्रेशर के साथ ये बात आप समझ गए ठीक ये बात आप समझ गए भैया बाबू समझ गए ना अब देखिएगा जब बात आप समझ गए बड़ी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे कंबस्टन ऑफ गैस ये क्या है कंबस्टन ऑफ कंबस्टन ऑफ गैस की बात करेंगे कंबस्टन ऑफ गैस यानी जब नोजल में ऑक्सीजन एसिडिल गैस आता है तो कैसे कंबस्टन होता है जरा ध्यान दीजिएगा यह कंबस्टन जो है दो स्टेज में होता है गैस का कंबस्टन गैस का यानी एस, एसिडलिन गैस का कंबस्टन कंबस्टन कंबशन दो स्टेज में होता है दो स्टेज में होता है दो स्टेज में होता है देखिएगा प्रथम स्टेज की बात करता हूँ फर्स्ट स्टेज ये आपका कौन सा स्टेज है तो प्रथम स्टेज है ठीक है फर्स्ट स्टेज की बात करता हूँ ध्यान दीजिएगा पहले स्टेज की मैं बात करता हूँ देखिएगा बेटा ध्यान से समझिएगा पहले स्टेज में क्या होता है देखिएगा आपके पास क्या है आपके पास ओटू गैस है कौन सा गैस है ओटू गैस है और कौन सा है टू एस टू गैस है ये दो गैस है दोनों गैस कहाँ आया मिक्सर में आया दोनों गैस कहाँ आया मिक्सर में आया ये बात आप समझिए ठीक है ना दोनों गैस मिक्सर में आया अब यहाँ पर क्या बनेगा तो यहां पर जो बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है पानी रे पानी रंग कैसा और साथ में क्या पैदा होगा हीट पैदा होगा यानी जब ऑक्सीजन और एस्टलीन जब कंबशन होता है इनका जलाया जाता है सबसे पहले मैं बता चुका हूं सबसे पहले एस्ट्रीन गैस आता है उसको इग्नाइट किया जाता है ठीक है ना इग्नाइट करने के बाद ओ की मात्रा घटाया बढ़ाया जाता है ये दोनों का कम्बेशन होता है तो क्या निकलता है आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है यहाँ पर एस टू नहीं यहाँ पर एस टू गैस निकलता है एस टू एस टू क्या है गैस है एस टू गैस है और साथ में हीट पैदा होता है यही हीट निकलता है और इसी हीट का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं बेल्डिंग करते हैं बात आप समझ गए अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा स्टेज यहाँ पर सेकेंड स्टेज की बात करेंगे सेकेंड स्टेज अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है सेकेंड स्टेज में जरा ध्यान दीजिएगा अब आपके सामने क्या आएगा बेटा अब आपके सामने यही रहेगा इतना जो प्रोडक्ट आपके सामने है इसको मैं ले लेता हूं यह प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेता हूं देखिएगा ध्यान से गुरु जी आखिर में सेकेंड स्टेज क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो हम कहेंगे बाबू जब पहला तो आपने ऑक्सीजन एसिटिन को आपस में जलाया मिलाकर के जलाया हीट पैदा हुआ हीट यहां पैदा हो रहा है लेकिन कुछ समय के जस्ट बाद होता क्या है कि जो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन गैस है एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन गैस है हमने क्या कहा जो ऑक्सीजन गैस कहा है एटमोस्फियर में उस एटमोस्फियरिक गैस कौन सा है ओथ्री है ओटू है यहाँ पर कौन गैस है बाबू ओटू गैस है इसको अलग कलर करते हैं देखिएगा ये कौन सा गैस है ओटू गैस है अब ये ओटू गैस कहां से मिल रहा है ये तो एटमोस्फियर से प्राप्त हो रहा है ना इतना कुछ होने के बाद वहाँ पर ए टू भन न पहुँच जाएगा और यहाँ पर रिएक्शन होगा और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा तब यहाँ पर बनेगा टू सी ओ टू बन जाएगा साथ में पानी रे पानी तेरा रंग कैसा और जिसमें मिला दो उसी के जैसा उसके बाद क्या बन जाएगा हीट बनेगा और ये हीट आपको जबरदस्त यहाँ पर हीट पैदा मिलेगा जबरदस्त हीट आपको यही मिलेगा ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रहेगा तीन रहेगा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये आपका दो स्टेज में क्या हुआ गैस का कम्बेशन हुआ दोनों स्टेज याद रखिएगा पहले स्टेज में आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया कार्बन मोनो इसका नाम कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले स्टेज में बनता है क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टेज में सेकेंड में क्या बना है तो सेकंड में कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है यहां पर क्या बन गया सीओ टू बन गया ठीक है ना और साथ में पानी और साथ में हीट पैदा हो गया तो ये हो गया आपका कम्बस्टन ऑफ आप गैस हो गया कम्बस्टन ऑफ गैस हो गया अब बात करते हैं बेटा आगे चलते हैं ठीक है ना कम्बस्टन ऑफ गैस देखिएगा कम्बसन आप गैस की बात करते हैं थोड़ा सा बताते हैं पानी पी लिया जाता उसके बाद बताते हैं चला भैया आगे धैर्य बनाए रखिए धैर्य बनाए रखिए सवाल की तरफ धैर्य बनाए रखिएगा धैर्य मत खोइएगा आप लोग ये हो गया कंबेशन ऑफ गैस अब बात करेंगे टेक्निक का यानी गैस बिल्डिंग करने का टेक्निक कौन सा है टेक्निक कौन सा है टेक्निक तो देखिएगा दो टेक्निक है किस कितने प्रकार के टेक्निक कहेंगे दो प्रकार के कितने प्रकार के टेक्निक कहेंगे दो प्रकार के टेक्निक है दोनों प्रकार टेक्निक आता है पेपर में झोंक करके आता है ये बात ध्यान दीजिएगा पहले टेक्निक का जो नाम है पहले टेक्निक का जो नाम है उसे कहा जाता है लेफ्ट वर्ड पहला जो है कौन सा है ये कहा जाता है लेफ्ट वर्ड ये लेफ्ट वर्ड टेक्निक है इसी को फोर हैंड इसी को फोर हैंड टेक्निक कहते हैं इसी को फारवर्ड इसी को फारवर्ड टेक्निक भी कहते हैं यानी लेफ्टवर्ड फोर हैंड या फॉरवर्ड टेक्निक है ये पहला टेक्निक है करने का कहेंगे कैसा ही मतलब समझ नहीं आया हाँ यहाँ देखिए लेफ्टवर्ड का मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है जॉब है ये आपका वर्क पीस है वर्क पीस है और यहां पर आपने दे दिया है क्या यहां से आपका फ्लेम आ रहा है यहां से आपका क्या रहा फ्लेम आ रहा है ध्यान दीजिएगा जी आपका फ्लेम आ रहा है यहां से यहां से आपका जल रहा है ज्वाला क्या है ज्वाला जी आपका फ्लेम है ठीक है फ्लेम है अब इधर क्या लगा हुआ है ये आपका फिलर रॉड है ये कौन सा रॉड है फिलर रॉड है इसका नाम है फिलर मेटल ये बात आप जानते हैं इसका नाम है फिलर फिलर रॉड है ये आपका फ्लेम है अब देखिएगा अब यहां से क्या होता है यहां से पूरा आप इस तरीके से बिल्डिंग करते हुए इस तरीके से बिल्डिंग करते 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 आप यहां तक आ गए हैं ये पूरा का पूरा क्या किया आपने बिल्डिंग कर दिया है इतना क्या है आपका वेल्ड मेटल है ये क्या है इसे कहते हैं वेल्ड मेटल ये आपका वेल्ड मेटल है ये वेल्ड मेटल है यानी इतना आपने बिल्डिंग कर दिया है देखा तमाशा लेफ्टवर्ड टेक्निक का मतलब हुआ कि ये आपका राइट हैंड है ये आपका लेफ्ट हैंड है तो राइट right हैंड से लेफ्ट की तरफ बढ़ना डायरेक्शन right पर, पर एंगल बनता है एंगल लेफ्टवर्ड में कितना एंगल बनता है कहेंगे तीस से चालीस डिग्री तीस से चालीस डिग्री झोंक करके बनता है और यहां पर यहां पर भी एक आपको एंगल बनता हुआ दिखाई देगा फ्लेम से ये टॉर्च से

एप्लीकेशन कहा तो आप कहेंगे जो वर्टिकल जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है वर्टिकल वर्टिकल वेल्डिंग के लिए वर्टिकल जो वेल्डिंग होता है वर्टिकल वेल्डिंग वर्टिकल वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है कहेंगे वर्टिकल वेल्डिंग क्या होता है तो वर्टिकल वेल्डिंग का मतलब ये हुआ वर्टिकल वेल्डिंग का मतलब ये होता है वर्टिकल बेल्डिंग का मतलब ये होता है देखिएगा वर्टिकल बेल्डिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास बेस मेटल है और आप इस तरीके से बिल्डिंग करते हुए आए ये आप बिल्डिंग करते हुए आए हैं तो ये आपका ये आपका बिल्ड हो गया ये आपका क्या हो गया बेल्ट हो गया बेल्ट हो गया बेल्ट हो गया तो यह पूरा का पूरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये आपका क्या है वर्टिकल इसी को कहा बेल्ड है, है ना यही आपका वर्टिकल वेल्डिंग है यही आपका वर्टिकल वर्टिकल बेल्डिंग बात आप समझ गए वर्टिकल बेल्डिंग में क्या होता है इसका प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता है तो आप बात यहां पर समझ गए ठीक है ना अब देखिएगा एक आपका क्या होता है एक आपका एक आपका होता है राइट हैंड टेक्निक होता है लेफ्ट हैंड तो आपको बता दिया मैं अब आपको राइट right हैंड दूसरा देखिएगा दूसरा देखा बाबू, ये आपका राइट हैंड दूसरा जो टेक्निक है वो कौन सा है आप कहेंगे राइट right हैंड ये आपका राइट हैंड राइट हैंड टेक्निक है इसी को बैकवर्ड कहा, कहा जाता है यही को बैकवर्ड कहा जाता है बैकवर्ड टेक्निक कहा जाता है राइट हैंड या कहते हैं? कहते हैं। ठीक ना? Right क्या कहते हैं नजर आएगा ये आपका अब आपका जो बिल्डिंग होता हुआ नजर आएगा कैसे होगा तो आप कहेंगे गुरु जी ये जो बिल्डिंग होगा ये कैसे होगा लेफ्ट से राइट की तरफ ये आपका कौन सा डायरेक्शन है कहेंगे लेफ्ट डायरेक्शन है और ये कौन सा डायरेक्शन है आप कहेंगे राइट डायरेक्शन है ये राइट है लेकिन यहां पर पोजिशन आपका वही रहेगा जो पोजिशन है जो टॉर्च का पोजिशन है वही रहेगा और फिलर का भी पोजिशन क्या रहेगा यही रहेगा ऐसा नहीं इसका पोजिशन नहीं चेंज होगा वही रहेगा अब देखिएगा यहां से आपका फ्लेम ऐसे बनता हुआ आ रहा है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा अब जो बिल्डिंग हुआ है इतना बिल्डिंग आपका हो चुका है ये बिल्डिंग आपका हो चुका है इतना बिल्डिंग आपका हो चुका है यानी अब आप क्या कर रहे हो जो बिल्ड मेटल आपका ये है इसका नाम क्या है इसका नाम है बिल्ड मेटल ये आपका बिल्ड मेटल है ये बिल्ड यानी बिल्डिंग आप लेफ्ट से राइट right की तरफ करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं बात ध्यान राइट हैंड राइट इसी को कहा जाता है राइट हैंड राइट वर्ड राइट वर्ड है राइट <coughs> वर्ड right, right 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 या इसी को बैकवर्ड कहा जाता है या इसी को इसी को कहते हैं हैंड इसी को भी कहते हैं तो इतने नाम जानता है, जाना जाता है। अब यहां पर देखिए यहां पर जो एंगल होता है ये एंगल ध्यान दीजिएगा इस एंगल का नाम देखिएगा यहां से यहां देखा जाए तो कितना एंगल होता है कहेंगे चालीस से पचास डिग्री चालीस से पचास डिग्री लेकिन यहां पर भी एंगल कितना होता है एंगल कितना होता है तो इतना भी एंगल बताइएगा कहेंगे चालीस से पचास डिग्री ये भी होता है चालीस से पचास डिग्री अब यहां पर हम बताते हैं अप्लीकेशन अब इसका हम अप्लीकेशन की बात करते हैं अप्लीकेशन ठीक है ना यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करते हैं एप्लीकेशन देखिएगा एप्लीकेशन में जितने भी थीकर मेटल है थीकर का मतलब हुआ मोटा मेटल यानी जो मोटा होता मोटा मोटा जो मेटल होता मोटा मेटल जो होता है जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है उसकी बिल्डिंग होता है लेकिन पीछे वाले में जो आपने देखा लेपटोवर टेक्निक में जो देखा वो क्या होता है वो बहुत ही थीन मेटल के लिए होता है थीकर मेटल के लिए होता है और यहाँ पर जो बिल्डिंग होता है कैसा होता है हॉरिजेंटल कैसा देता है बेल्डिंग ये आपका हॉरीजेंटल हॉरिजेंटल वेल्डिंग देता है हॉरिजेंटल वेल्डिंग देता है और साथ में किस प्रकार का बेल्डिंग देता है बेटा तो याद रखिएगा वो आपका ओवर हेड ओवर हेड का भी नाम सुनेर हेड बेल्डिंग होता है ओवर हेड बिल्डिंग का मतलब यह हुआ कि छत के ऊपर अगर बेल्डिंग करना है ओवर हेड का मतलब हुआ है छतवा कुपरा बेल्डिंग करना है तो कौन सा टेक्निक होगा यही टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल अगर आपको बेल्डिंग करना है तो भी कौन सा टेक्निक होगा इसी प्रकार टेक्निक हुआ देखिए कैसे ये आपका देखिएगा हॉरिजेंटल टेक्निक कैसा है ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये आपके सामने यहां पर दिख रहा है यहां ध्यान दीजिएगा ये आपका टेक्निक बता रहा हूं ये देखिएगा बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो वेल्डिंग होना स्टार्ट होगा तो ये आपका बीड है वेल्ड बीड कहा जाता है वेल्ड बीड ये वेल्ड बीड होता हुआ चला गया देख रहा ना ये पूरा बिल्डिंग होता चला गया तो ये क्या होगा आपका हॉरिजेंटल इसी को बोलते हैं यही आपका हॉरिजेंटल बिल्डिंग है कहा जाता है है यही आपका ठीक है।, है ना ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब ओवरलैप भी बता दिए सब कुछ हम आपको बता चुके हैं अब हम चलते हैं कहां पर सवालों की तरफ चलते हैं सवालों की तरफ चलेंगे अब जब सवाल की तरफ चलेंगे अब आप लोगों को आंसर एकदम ठोकना है गैस बिल्डिंग के बारे में पूरा मैं बता चुका हूँ पूरा जबरदस्त तरीके से बता दिया हूं समझा दिया हूं अब जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपको ताबड़तोड़ तरीके से वहां से आंसर करना है ठीक है चला चला भैया जीना है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना हंस ना ही तो है जिंदगी रो रो के जीवन ये खो ना हे भैया खोया ना है यार देखा बात समझ गए हैं एकदम बहुत बढ़िया भाऊ क्या बात है लाजवाब बेटा लाजवाब चलिए अब कुछ नया सवाल यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना नया सवाल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ सवालों की तरफ चलता हूं ये देखा फायर करिए वहां पर ए के फोर्टी सेवन ए के पैंतालीस जो भी लेना जल्दी ठोका जल्दी ठोका हमें तो इंतजार है आपके प्रश्नों का बचपन चला भैया जल्दी बताइएगा कुछ भी नहीं याद इसके ना मैं किसी का ना कोई मेरा चला बाबू बतावा जल्दी ठोका जल्दी ठोका आंसर आना स्टार्ट हो गया ए सूरज भारती बाबू सूरज भारती वन डे एग्जाम और परिणीता आर्या और परनीता आर्या अब आंसर ठोकना स्टार्ट करिए वाह वाह क्या बात है जियो रे सूरज बाबू एकदम चमकते रहो सूरज की तरह एकदम सूरज की तरह जीवन में लप लपाते रहिए एकदम लप लपाते रहिए बाबू बहुत बढ़िया क्या बात देखा जाए क्या आंसर आ रहा वाह वाह यहाँ पर लिखा है जिसने भी हमारी बात को ध्यान से सुना होगा उसके लिए हवा हवाई है बाकी के लिए है माटी में लौटने वाला काम यार देखिए ऑक्सीजन की बात करता है और एसिटिलीन होशिस की बात करता है कि सही रंग है होशिस का मतलब वही आपका होश पाइप है है ना होश पाइप की बात करता है होश पाइप की बात बताए नहीं पाइप वो बताए जे जोने कलर में सिलेंडर ओने कलर में पाइप बस खेला खत्म यानी ऑक्सीजन कैसा है कहेंगे करिया कैसा है करिया तो काला है ऑक्सीजन यहां भी काला है यहां भी काला अच्छा और एसिटी कैसा होगा तो मैरून होगा ये हो क्यों सी ना लिखा होता, कुछ और लिखा होता, ललका दिया तो आपका बी नंबर हो जाता आंसर ठीक है ना क्योंकि लाल भी आंसर यहां पर दे सकते हैं चलिए बात आप गए अगला सवाल एसिडिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन में क्या चीज डैश 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 डिजॉल्व की जाती है का की जाती है दोस्त दोस्त ना रहा डैश 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 और पढ़ाने के सिवा कोई कारोबार ना रहा बहुत बढ़िया सूरज भैया अब झोंकीिए एकदम जबरदस्त तरीके से झोंकी और लाइक का बटन एकदम दबाइए एकदम हल्का मचा दीजिए बाबू है ना परिश्रम किया हूं आप लोगों के लिए ठीक है फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ प्रकाश वर्मा जी और धनजीत कुमार भैया बाबू बहुत बढ़िया क्या बात है उपकार प्रजापति लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन शानदार बेटा शानदार इधर देखिए ए सिलेंडर में बोल रहा है कि ट्रिन के सतवा का रहता है रहता रहता है का रहता है यहाँ पर कुछ लोग अरे भैया पानी नहीं है यहां पर कह रहा है एसी सिलेंडरवा में का रहता है एसी सिलेंडरवा में का रहता है बहुत बढ़िया देखा यार देखा यार देखा नाच गाना स्टार्ट हो चुका है देखा भैया अरे बाप रे बाप अरे दादा हो हाई देखा इतना बताए हैं नाच नाच के बताए हैं उसके बाद भी भैया बाबू का मतलब रंग में भंग लगा दिए आप लोग मजा नहीं आया हमें इसका आंसर चाहिए था तो आपको आंसर देना चाहिए था एकदम तत्काल प्रभाव से आज अब भैया कौन सा हो कौन सा पूछा था ए के साथ क्या होता हाई देखा हाई देखा हेर देखा हेर देखा बाबू हेर देखा हे बाबू मुकेश हेर देखिएगा इधर देखिए तमाशा हमने कहा ए सिलेंडर ट्रीन सिलेंडर ना तो देखिए सिलेंडर के अंदर एक स्पोंगी मटेरियल भरा रहता है यहाँ लिखा है का लिखा है जहरवा पीला ये ये बाबू आई देखा आई का लिखा है ई का लिखा है का है का है टोन है ना हाँ मंगल सिंह बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बाबू मंगल बाबू अब बात आप समझ गए मतलब एक्सप्लोजन को बचाने के लिए विस्फोट को बचाने के लिए एसीटोन मिलाया जाता है स्पोंगी मटेरियल होता है ठीक है ना बात आप समझ गए चला अब आगे चला जाए इसीलिए इतना तांडो मचाया था मैं शुरू में उसके बाद भी जो है नाच मेरी बुलबुल बुल तो पैसा मिलेगा चला यार देखा तो एसी सिलेंडर में एसी के साथ क्या मिलाते हैं तो आप कहेंगे एसी टोन मिलाते हैं एसी टोन मिलाते हैं और एसी टोन एक प्रकार का क्या, क्या है स्पॉन्गी मटेरियल है

बात समझ गया ना चला आगे देखा जाए नेक्स्ट सवाल है यदि फ्लेम के इतर की लंबाई एल मीटर कर दिया जाए हो तो टैप से धातु की दूरी होनी चाहिए इधर देखा कहता है अगर लेंथ ऑफ द इनर कोन ऑफ द फ्लेम इज एल कह रहा इनर कोर की लंबाई एल है एम mm में है देन डिस्टेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम द टिप शुड बी ये देखा यानी इस तरीके से सवाल आपसे किया है ये आपका क्या है फिलर ये आपका पेरेंट मेटल है ये आपका क्या है ये आपका टिप है ये आपका टिप है ये क्या है आपका ये आपका यहाँ से नोजल है यहाँ से पाइप आ रहा है दो प्रकार के गैस यहाँ से आ रहे हैं मिक्सिंग चैम्बर यही आपका है यहां से देखिए ये आ रहा फ्लेम ये आ रहा क्या फ्लेम ये है फ्लेम अब इस फ्लेम में देखिएगा इस फ्लेमुआ में कह रहा है आपसे क्या कह रहा देखा इस फ्लेम में कह रहा है कि जो आपका इनर कौन है ये इसकी लंबाई यहां से यहाँ तक, कितनी है? यां से यां तक कितनी है यहां से यहां तक कितनी है बेटा यहाँ से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई एल है तो वही लंबैया एल दिया है कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द मेटल फ्रॉम दिप बी यानी यहाँ से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा यही आपसे कह रहा है तो एक बात ध्यान दीजिएगा एक बात ध्यान दीजिएगा ये बिल्डर वाले के लिए भी एकदम बिल्डर वाले के लिए भी फिटर वाले के लिए भी है डीजल मैकेनिक वाले के लिए भी है सबके लिए टॉपिक कॉमन है ठीक है तो क्या हो जाएगा एल प्लस एल प्लस क्या होता है टू इसको एम mm एम में लेते हैं ठीक है ना एम एम में इतना डिस्टेंस होना चाहिए यानी एल प्लस टू डिस्टेंस अगर होगा ना तभी बिल्डिंग परफेक्ट होगा Plus two, mm एल प्लस टू ये एम एम है याद रखिएगा एल प्लस टू एम एम अगर इससे अगर इसी में आप चाप देंगे ना इसके अंदर वहां घुसा देंगे तो बिल्डिंग थोड़ी सही से होगा हीट नहीं पाएगा बढ़िया से और जब हीट नहीं पाएगा तो गर्मा मोल्टन पुल नहीं बनेगा तो यहाँ, यहाँ, यहाँ पूल नहीं बनेगा तो वहां पर क्या होगा बिल्डिंगा नहीं होगा चलो भैया आगे देखा जाए चलिए अगला सवाल देखिएगा कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम होता है ये भैया कटिंग से कह रहा है कटिंग से पहले जल्दी बताइएगा कटिंग से पहले की बात करता है कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए सबसे उपयुक्त फ्लेम कौन सा होता है ये आपके लिए जहर सवाल है ये आपके लिए जहर सवाल है बात ध्यान दीजिएगा जल्दी बताइएगा हमें इंतजार है आर्यन क्या बात है आर्यन भैया बाबू क्या बात है वीडियो को जरा शेयर करिए दबा करके शेयर करिए दबा करके शेयर करिए और शहर में डिंडोरा पीट दीजिए आपके महाराज कुमार वर्मा लौट आए हैं जी हाँ मैं हूं खलनायक जल्दी से जल्दी से आंसर करा जल्दी से आंसर करा जल्दी से आंसर करिएगा जल्दी से आंसर करिएगा कटिंग <coughs> से देखिए यहां पर सब लोग घर जी कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम होता है देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई सीट मेटल है उस सीट मेटल को कटिंग करना है मान लीजिए कोई ये सीट मेटल है ये आपका सीट मेटल है कोई पतला सा सीट मेटल है इसकी थिकनेस आपकी इतनी है ये सीट मेटल है बेटा सीट मेटल ठीक है ये आपका सीट मेटल दिख रहा है अब इसको क्या करना काटना है यह से काटना है काटना है यहां से काटना है अब काटने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं एकदम रट जाना है भाइया ए बाबू रट जाना है न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें O2 और औ, और की मात्रा क्या होती है बराबर बराबर होती है सी टू एस टू की मात्रा ओ टू की मात्रा बराबर होती है बात ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले प्री हीटिंग का मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या होता है इसको गरमाया जाता है और जब गर्मा जाता है तब लब लब बसना क्या होता है इसकी कटैया हो जाती है

देखा जाए सॉरी क्या बात है यहां देखिएगा यहाँ पर यहां पर कह रहा है गैस कटिंग करते समय यानी कटिंग जब होता है अभी हम पीछे बताए कटिंग कौन सा न्यूट्रल फ्लेम तो उस न्यूट्रल फ्लेम को कार्यखंड से कितना दूरी पर रखेंगे पांच एम एम दूरी पर रखते हैं याद रखिएगा पांच एम एम पांच एम एम दूरी पर रखा जाता है फाइव एम एम ये आपको रटना है यहां पर पांच एम एम दूरी पर रखा जाता है बात समझ गए ना बात आप समझ गए क्या ठीक है नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं आगे गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो कौन सा फ्लेम बन जाएगा ये देखा नाचना स्टार्ट हो गया बहुत देखा इसमें कोई दम है नहीं इसमें इस सवाल में कोई दम नहीं है कह रहा है कि गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो क्या होगा धातु ठंडी हो जाएगी है कर्ब सकरा बनेगा कर्ब चौड़ा बनेगा धातु पूर्तिया नहीं कटेगी चलिए चलिए जल्दी बताइएगा क्या बात करता है जल्दी बोलिए यहाँ पर प्रतिभा ने कहा सी अच्छा आर्यन ने कहा दो और यहाँ पर साहब साहब एग्जाम ने कहा गुरु जी बी मार दो अच्छा बी मार दें अनिकेत भैया क्या बात है बेटा शानदार प्रदर्शन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पाल बाबू एकदम लाजवाब झोंके हैं शानदार शानदार प्रदर्शन इधर देखिए कहता है गैस कटिंग में यदि ऑक्सीजन सप्लाई क्या करें कम करें इधर देखिएगा हमने कहा था हमने कहा था जब ओ टू क्या होता है बराबर होता है सी टू एस टू के तो आप कहते हैं कौन सा फ्लेम तो आप कहेंगे न्यूट्रल है ये ये कौन सा फ्लेम हो गया? न्यूट्रल फ्लेम हो हो तो हो हो गया 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 न्यूट्रल लेकिन तो बराबर बराबर वाला वाला ना अब इसकी मात्रा क्या अगर हम कम करते जाएं कम करते जाएं और सी टू एस टू बढ़ाते जाएं झोंक करके तो अब जो यहां पर फ्लेम बनेगा और जो जलेगा उसमें ज्यादा ताकत नहीं होगा मार ऐसे ऐसे ढेबरी तरह लपाएगा वो ज्यादा हीट नहीं पैदा कर पाएगा हीट तभी पैदा करेगा जब उसमें ओटू की मात्रा ज्यादा होगी जैसा कि मैं तीनों फ्लेम बना के आपको दिखाया था ठीक है ना O2 की मात्रा जब बहुत कम हो जाएगी तो जला नहीं पाएगा ठीक है ना वो किसी को काट नहीं पाएगा धात पुर्तियां नहीं कटेगी कटवा नहीं करेगी क्यों नहीं कटेगी क्योंकि इसके माध्यम से जो आपका हीट पैदा होगा यहां पर जो हीट पैदा हो गया ये हीट इज नॉट सफिसियट है ना टू मेल्ट द मेटल याद रखिएगा यहां पर यह हीट पर्याप्त नहीं होगा ये पर्याप्त नहीं होगा मतलब लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान पैदा होगा उस तापमान में मेटल जीत जाएगा पैरेंड मेटल जीत जाएगा उसको कोई काट ही नहीं पाएगा ही काट नहीं पाएगा ठीक है ना बात समझ गए आप चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कहलाता है ये देखा हमने कहा इलेक्ट्रोड पर जो परत चढ़ता है इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ फिलर रॉड यह क्या हुआ ये आपका फिलर रॉड होता है फिलर रॉड होता है फिलर रॉड अब कह रहा है किसका कोटिंग किया जाता है कह रहा चढ़ाने के लिए किसका किया जाता है कभी कभी क्या होता है तो एक बेयर इलेक्ट्रोड होता है बेयर का मतलब नंगा नंगा आदमी कैसा होता है? बिना कपड़ा वाला हाँ तो एक नंगा नंगा मतलब है नंगा है एक डिब्बा में रखा होगा फ्लक्स ये क्या होगा एक डिब्बा होगा और इसी डिब्बा में रखा होगा फ्लक्स हो सकता हो कि पाउडर के फार्म में हो हो सकता हो पाउडर के फॉर्म में बहुत बढ़िया क्या बात है शानदार प्रदर्शन बहुत बढ़िया प्रोटेक्टिव पर, पर, पर आ गया बहुत बढ़िया भारतीय सूरज भारतीय लाजवाब ठोके बेटा एकदम शानदार दिल जीत लिया यहाँ पर अंकित पाल बाबू ये कैसे ठोक दिए लगता है अभी स्टार्टिंग में जब जब से मैं यहाँ पर बांचना स्टार्ट किया आप लोग हमारा बात ध्यान से नहीं सुने हैं जो ध्यान से सुना होगा वही आंसर ठोक पाएगा यहाँ पर प्रोटेक्टिव परत तो बढ़ाता है वो कौन करता हो तो फ्लक्स बढ़ता है ना फ्लक्स करता है बोला है इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता का पूरा जो परत चढ़ा हुआ ना पूरा का पूरा जो परत चढ़ा हुआ है ये क्या होता है इस पर फ्लक्स का होता किसका होता है ये फ्लक्स होता फ्लक्स यानी इस फ्लक्स का क्या होता फ्लक्स का कोटिंग किया जाता है कोटिंग

फ्लक्स सबसे पहले क्या होगा मेल्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है सबसे कम वेरी वेरी जहर सवाल लिख रहा हूं सबसे कम क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक ठीक है ना मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है इसी का होता है इसी ने क्या होता है जहां पर बिल्डिंग होता है मान लीजिए यहाँ पर बिल्डिंग करना, करना है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर गैसियस, गैसियस, गैसियस पर और यह करेगा एटमोस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाने का कार्य करेगा ये बात आप समझ गए तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स ठीक है ना याद फ्लक्स।, और फ्लक्स में कौन कौन इस्तेमाल होता है तो बता चुका हूँ बोरेक्स और सोडियम क्लोराइड अगला है गैस बेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और का अनुपात क्या होता है का मतलब जो सर्वे सर्वा, मतलब जो जो सब लोग शुरू में, में बता दिया था पढ़ाते समय बहुत बढ़िया अरे वाह बेटा क्या बात था भारतीय भैया वाह भैया वाह बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन वाह भारतीय ठोका बहुत बढ़िया ठोका हमने कहा था एक ही तो फ्लेम है वो कौन सा है तो आप कहेंगे वो तो गुरुजी न्यूट्रल फ्लेम है कौन सा है न्यूट्रल जो आपका फ्लेम है न्यूट्रल फ्लेम जिसे उदासीन फ्लेम कहा जाता है यही न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है कितना होता है इसका तापमान कितना होता है बत्तीस सौ बत्तीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है कहीं इकतीस सौ दिया हो कहीं बत्तीस सौ दिया हो तो एकदम लोटिएगा मत परेशान मत होइएगा ठीक है ना वो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा बत्तीस सौ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और इतने तापमान पर तो कोई भी मेटल क्या होगा <laughs> नदी बहने लगेगी मोल्टेन पुल बन जाएगा ठीक है तुरंत फ्यूजन होगा बिल्डिंग जबरदस्त तरीके से होगा बात समझ गए ना बहुत बढ़िया चला आगे देखा अगला सवाल की बात करते हैं अगला सवाल आक्सी Low से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है अच्छा क्या बात कर रहा है का मिश्रण शुद्ध ओ टू शुद्ध एसीटलीन शुद्ध सीओ टू सोच समझ के आंसर दीजिएगा है ना देखा जाए किसका आंसर आ रहा है कम भी कम 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 इंडिया कम इंडिया कम इंडिया कम इंडिया अच्छा अंकित पाल ठोका भैया ठोका जल्दी ठोका बड़ा स्लो आदमी आप लोग भैया बहुत स्लो आदमी है बताइए Technical technical. रही है, रही है. बहुत बढ़िया सूरज, सूरज हो, हो रायल भैया रायल बाबू का भी आंसर एकदम के आया है लाजवाब प्रनीता का भी आंसर एकदम बहुत बढ़िया सत्यम गड़बड़ कर दिए गच्चा खा गया बच्चा बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए सीधी बात कर रहा है कि जो

यानी यहां पर मिश्रण क्या हो रहा आ रहा है यही तो जल रहा है यही तो फ्लेम पैदा कर रहा है यही आपका क्या पैदा कर रहा है फ्लेम पैदा कर रहा है ठीक है ना यही आपका फ्लेम पैदा कर रहा है यही दोनों के जलने से मिश्रण है ठीक है ना बात समझ गए ऑक्सी का मिश्रण चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं किस ऑक्सीऐसीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धागुत किया जाता है यह भी एकदम आसान सवाल है एकदम जबरदस्त तरीके से आप बता देंगे इसका आंसर बता देंगे ठीक है एकदम आंसर बताएंगे इसमें भी परेशान होने की आवश्यकता सर मैं पढ़ नहीं पीछे में गया हूँ इसीलिए सर सॉरी सर कोई बात नहीं सत्यम हम चलिए ठीक है काम धाम लगा रहता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है किस ऑक्सीटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग कह रहा है उपयोग किस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धातुओं में किया जाता है यानी सर्वव्यापी है मतलब बहुत बढ़िया रे वाह बेटा क्या बात है सूरज एकदम बहुत बढ़िया रायल बहुत अच्छा शानदार अरुण कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम शानदार हम बताए तो थे अभी पीछे हम बताए हैं शुरू में पढ़ाते समय कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रयोग होता है वो न्यूट्रल फ्लेम होता है न्यूट्रल फ्लेम होता है सबसे उपयुक्त तो और सबसे ज्यादा लोग प्रयोग करने वाले कौन होते हैं यही होता है ठीक है जिसमें दोनों में लगभग बराबर मात्रा होती है यानी ओ बराबर क्या होता है C2H2 होता है इसका O2 का अनुपात कितना होता कहेंगे एक, कितना हो जाएगा? एक, भी एक. एक, एक अनुपात में एक रेशियो में मिलाया जाता है बन गया आपका न्यूट्रल फ्लेम बन गया ठीक है अधिकांश जगह इस्तेमाल होता है नेक्स्ट सवाल है कार्बोराइजिंग लॉ का प्रयोग किसे बिल्ड करने के लिए किया जाता है ये देखिएगा जहरवा पीला ये देखा, देखा, लिखा गया जहर लिखा गया लिखा गया जहर चलिए जल्दी बताइएगा चलिए जल्दी बताइएगा कार्बोराइजिंग की बात करता है वाह वा, वाह 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 सूरज वाह वाह सूरज वाह वाह सूरज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सूरज हमारा साथ दे रहा बहुत अच्छा शानदार <laughs> मित्र मित्र वानु बिश्वाल। बहुत बढ़िया क्या बात है थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू थाँग्यू, थैंक यू <laughs> अरुण कुमार अरुण कुमार बहुत बढ़िया क्या बात है इधर देखिए हमने एक बात आपको बताया था कार्बोराइजिंग जो जो फ्लेम होता है, जो आपके पास होता है है आपके पास कौन सा कार्बोराइजिंग फ्लेम इसी कार्बोराइजिंग को क्या कहा जाता है इसी को रिड्यूसिंग कहा जाता है यही आपका रिड्यूसिंग फ्लेम है यही रिड्यूसिंग फ्लेम है और इसमें हमने कहा था ओ टू की मात्रा घटा देते हैं सी टू एस टू बढ़ा देते हैं हड़ाक सेना ये बन गया क्या रिड्यूसिंग तो टू की मात्रा घटाने से क्या होता तापमान क्या होता जाता। क्या होता घट जाता, हो जाता, तो हो जाता है, 3150 हो जाता है और इसका होता, में होता है. आपने पढ़ा होगा हीट ट्रीटमेंट जिस प्रकार से आपको जब बुखार होता है खांसी होता है जुखाम होता है आप जाते हैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने के लिए उसी प्रकार से जब मशीन का कोई पार्ट बनता है तो वह विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरते हुए बनता है तो उसमें अनेक प्रकार के इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं हो सकता हो कास्टिंग हुआ हो तो कास्टिंग के दौरान उसमें उसमें कहीं कैविटी रह जाता है गैस रह, रह, ट्रैप्ट रहता है तो उन सभी को क्या किया जाता है खत्म करने के उद्देश्य से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट में एक प्रक्रिया है कौन सा है केज हार्डनिंग एक कौन सा केज हार्डनिंग है और इसी केज हार्डनिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का मतलब सतह को हार्ड बनाने के लिए सतह को हार्ड बनाने के लिए माखन भैया खुश रहा खुश रहा एकदम खुश रहा झोंक के जिंदगी में आराम से एकदम मस्त रहिए रहिए ठीक है, है ना यहाँ पर देखिए हार्ड सरफेस बनाने के लिए किसका होता है कार्बोराइजिंग का कार्बोराइजिंग भी एक प्रक्रिया है कार्बोराइजिंग भी एक प्रक्रिया है सतह को हार्ड करने का ठीक है ना हार्डनिंग में बहुत प्रक्रिया है नाइट्राइडिंग होता है कार्बोराइजिंग होता है ठीक है साइनाइडिंग होता है तो कार्बोराइजिंग की बात करता है ना तो याद रखिएगा कट सरफेस हार्ड बनाया जाता है अगला है पहले कौन खोला जाता है ऑक्सीजन वाला और नितिन पाल जी आप भी बताइए अफसर अली साइंस है सर नहीं नहीं साइंस नहीं है तो चल रहा है ये चल रहा है टेक्निकल ट्रेड वाला आपका वेल्डिंग चल रहा है मिराज अली ने बी कहा एस्टिन गैस का बाल पहले खुला जाता है ऑक्सीजन बाल्व को बाद में बहुत बढ़िया शानदार शानदार बेटा एकदम छा गए छा गए छा गए छा ला, छा ला। बहुत बढ़िया एकदम लाजवाब आंसर ठोके चला बहुत अच्छा शानदार शानदार ये का हो गया हो कहे आ गया <coughs> क्या हो गया चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया क्या बात है जरा देखिए क्या हो गया हरियरा कह गया कुछ दब गया क्या चलिए इधर देखिए ऑक्सीजन और एसिटिन के सिलेंडरवा में सबसे पहले किसको खोला जाएगा तो आप कहेंगे गुरु सबसे पहले C2H2 वाले सिलेंडर को क्या करेंगे खोला जाता है ये खोला जाता है ये खोला जाता है जब ये खोलाएगा तो यही क्या होगा इसको जलाते हैं इसको क्या करते हैं इग्नाइट करते हैं इग नाइट किया जाता सबसे पहले जलाने का काम इसी का होता है इसके बाद कौन आएगा तो ऑटू आएगा मैदान में और जब सी टू एस टू जलता है तो मारता ढेबरी की तरह लेकिन जैसे ही ऑटू का मात्रा नोजल से बढ़ाना स्टार्ट किया मार फर 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 फेंकेगा बहुत तेज आवाज भी करेगा सर सराहट की सर सर की आवाज करेगा जबरदस्त तरीके से बात याद रखिएगा तो यहाँ पर बी हो गया एसिडिन वाल्व सबसे पहले खोला जाएगा और बाद में ऑक्सीजन वाल्व को सबसे बाद में बंद किया जाएगा लेकिन बंद करने की बात आएगा तो बंद करने का भी बात आप समझ गए बात समझ गए ना बंद करने में भी सबसे पहले यह बंद हो जाएगा भैया जो आया है पहले जाएगा पहले है ना याद रखिएगा तो जो पहले खोला गया वही बंद किया जाएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा एसिडिन गैस की मात्रा अधिक मात्रा में ला ये तो एकदम आओ सनम जाओ सनम आओ सनम जाओ सनम जल्दी बताइएगा दोस्त दोस्त बताइएगा जल्दी बताइएगा जल्दी बताइए ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी मन में हलचल सीमच जाएगी बावरी रे ठहरे हुए पानी में बहुत बढ़िया सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा भेड़िया दशा नहीं है यहाँ पर एस्टिल गैस की मात्रा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है कह रहा वेन ऑक्सीजन की बात करता है अंग्रेजी देखिए वेन ऑक्सीजन इज एडेड इन एक्सेस यानी कह रहा है ओ टू की मात्रा क्या कर दें बढ़ा दें ओ टू की मात्रा बढ़ा दें ऑफ द अमाउंट एस्टिल गैस फ्लेम कौन सा होगा ये होगा तो हाई सी टू एस टू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओ टू ज्यादा हो गया सी टू एस टू क्या हुआ कम हो गया इसका मतलब भाग ना क्या हो जाएगा जबरदस्त वाला फ्लेम होगा और सबसे ज्यादा तापमान वाला फ्लेम होगा यही है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और इस में रेशियो क्या होता रेशियो। आप कहेंगे यही है O2 इतने अनुपात में और ये क्या है आपका एक ये सी टू एस टू है ये बात आप समझ गए जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा जितना भी मेटल कटिंग होता है मेटल कटिंग प्रक्रिया में इसी का इस्तेमाल किया जाता है आपको हवा पानी लग गया आगे देखिएगा गैस बिल्डिंग में उपयोगी ऑक्सीजन अब बताइएगा अब बताइए जब यहां पर जो भी हम आपको तापमान बताए हो तापमान एक को नहीं कर रहा कि इसको ठोकेंगे तो दिमाग का प्रयोग करिए दिमाग की बत्ती जलाइए माचिस ना हो लाइटर ना हो मेरे पास है जेब में हमेशा पड़ा रहता है बताइए सप्लाई हो जाएगा यहाँ से वाह वाह क्या बात है शानदार बेटा शानदार नितिन भाव बहुत बढ़िया मिराज बाबू बहुत अच्छा शानदार एप्पल एकदम लाजवाब एकदम लाजवाब देखिए बारह सौ साठ तो होगा नहीं बीस सौ नब्बे कहाँ होगा अट्ठाईस कहां होगा हो बचा कौन सा तो आप कहेंगे बत्तीस सौ बचा यही हो गया गैस बिल्डिंग में उपयोगी गैस की बात कर रहा है उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कहा होगा और उच्चतम तापमान कितना होता है हम बताएं आपको चौंतीस सौ अस्सी डिग्री सेल्सियस होता है यही आपका मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो आप कहेंगे गुरु जी ये तो उत्पन्न होता है उसके द्वारा

यहाँ भी आओ सनम जाओ सनम बहुत बढ़िया मिराज अली लाजवाब नितिन पाल बहुत बढ़िया शानदार एकदम झोंके आर्यन ने वहाँ पर गड़बड़ा दिए बेटा गड़बड़ हो गया नितिन पाल बहुत बढ़िया कॉम इंडिया लाजवाब एप्पल भैया बहुत बढ़िया एकदम झोंक दिया लाजवाब तीन तीन हजार डिग्री सेल्सियस लगभग आगे देखिए बिल्डिंग टर्च के किस भाग में ऑक्सीजन एस्टिन गैस से मिलती है कह रहा है बिल्डिंग टर्चवा में आखिर में ऑक्सीजन और एसिटलीन गैस कहाँ पर जाकर के प्यार मोहब्बत करते हैं कहाँ पर संगम होता है दोनों का दोनों कहां प्यार का इजहार करेंगे जल्दी बताओ मेराज बाबू अंकित पाल यहाँ पर नितिन पाल ने बीट होगा बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है क्वेश्चन मतलब हिला नहीं पत्ता हिला नहीं पेड़ आपने साफ कर दिया लाजवाब लाजवाब बेटा शानदार प्रदर्शन देखिए वो कौन सा है मिक्सिंग चैंबर है उसी मिक्सिंग चैंबरवा में क्या होता है दोनों जाकर के मिलता है और जब मिलता है तब यहीं पर या तो ओटू की मात्रा बराबर कर देंगे या तो ओटू की मात्रा घटा देंगे और C2H2 बढ़ा देंगे या तो O2 की मात्रा बढ़ा देंगे C2H2 कर देंगे यानी यही तीन प्रकार का काम आप कर सकते हैं जब तीन प्रकार का काम ही कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं तो फ्लेम कितना बनेगा तीन प्रकार का फ्लेम बनेगा ये आपका कौन सा हो गया सुन लीजिए ये न्यूट्रल हो गया ये सुन लीजिए ऑक्सीजन कम है तो रिड्यूसिंग हो गया रिड्यूसिंग का मतलब घटा दिए रिडक्शन का मतलब घट गया घट गया घट गया रिड्यूस हो गया और ओ टू क्या हुआ बढ़ा इसका मतलब ऑक्सीजन बढ़ा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन बढ़ गया ठीक है ना ये बात आप समझ गए तीनों का तापमान यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसका तापमान कितना होता है तो आप कहेंगे गुरु जी इसका तापमान होता बत्तीस सौ पचास डिग्री सेल्सियस हम कहेंगे इसका तापमान कितना पचास डिग्री हम कहेंगे, तो कहेंगे दीजिए बस हो गया खेला संपन्न हुआ ये तीनों बात याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन एस्टिन का अनुपात कितना होता है ओ की और बात कर रहा है एस्टिन की बात कर रहा अनुपात कितना होता है एकदम आओ सनम जाओ सनम कोई भी इसमें दम नहीं है कोई भी दम नहीं है जल्दी बताइएगा सर आप धाकर पढ़ाते हैं अच्छा अशरफ अली थैंक यू थैंक यू भा थैंक यू थैंक यू थैंक यू वहाँ से वेलकम बोलिए फर्स्ट क्लास वेलकम करिए हमारा वेलकम बोलिए वहाँ से चलिए वाह 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 बेटा वाह जियो रे शेर क्या बात है देखिए हो गया खेला संपन्न हो गया देखिए आज का वीडियो देखने के बाद आप किताब में उठा किताब ले लीजिएगा कौनों किताब ले लीजिएगा यूथ पब्लिकेशन का किताब लीजिएगा क्वेश्चन वाला ठीक है और जा करके गैस बिल्डिंग आप झोंक दीजिए पूरा शुरू से आप पढ़ करके जाइए अब पूरा क्वेश्चन लगा के देखिए आपका पूरा सवाल हो जाएगा ध्यान से अगर हमारा बात सुने रहेंगे तब आगे देखिए बिल्डिंग के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है बिल्डिंग के लिए करा कौन सा गैस प्रयोग होता है तो गैस में एक ही तो है गैस बिल्डिंग एक ही तो है गैस बिल्डिंग और इस गैस बिल्डिंग में कौन होगा कौन हो बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ देखा जाए क्या अशरफ अली जल्दी आप बताइए सरोज स्नेहा आप भी बताइए वाह वाह बहुत बढ़िया सरोज हवा नहीं लग रहा सर अरे बाबू सरोज पढ़िए हवा लगेगा एकदम लगेगा अभी होली होली खेले होंगे तो कहां? रंग चढ़ा उस पर तो चढ़ेगा दिमाग पर चलिए बहुत अच्छा क्या बात है तो आप कहेंगे एसिटिलिन गैस है हालांकि आप ऑक्सीजन के साथ मीथेन गैस भी ले सकते हैं लेकिन जब ये जलेगा तो हीट ज्यादा पैदा नहीं करेगा और आपका इथेन भी ले सकते हैं लेकिन जलेगा हीट नहीं पैदा करेगा लेकिन ये जब जलेगा जब सी टूट जब जलेगा किसके साथ O2 के साथ तो जबरदस्त तरीके से क्या होगा हीट पैदा करेगा और हीट कितना पैदा करेगा तो लगभग याद रखिए पैंतीस इतना हीट पैदा करता है लगभग पैंतीस सौ बात मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है ना बात आप समझ गए चलिए चलिए भैया आगे देखा जाए अगला सवाल गैस सिलेंडर में संचित होता है किस रूप में होता है कौने रूप में होता है चला बताइएगा सर आप फीटर का क्लास कब से होगा सर ऑफिशियल ऐप पे फीटर का क्लास ऑफिशियल ऐप पे हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाएगा कल से स्टार्ट हो जाएगा फिर वहां पर ऐप पर मिला जाएगा ठीक है रंगारंग कार्यक्रम वहाँ चलेगा परेशान ना होइए आप लोग चलिए बताइएगा वाह वाह, वाह 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 ये बेटा क्या बात है हाई देखा नगी न, लगता है बीन बाज रहा है बीन स्टार्ट हो गया बाजना वाह वाह ये देखिए बहुत लोग ए कर रहे हैं बहुत लोग बीवी कर रहे हैं बहुत अच्छा लाजवाब बेटा शानदार बी वाले एकदम सही है अरुण भैया बहुत बढ़िया अरुण भैया बहुत बढ़िया लाजवाब सूरज भारती एकदम लाजवाब आंसर ठोके हैं देखिए है गच्चा है ना खाइए आप लोग किस रूप में होता है द्रव रूप में होता है कोने रूप में रहता बहू तो द्रव रूप में रहता थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देना नहीं तो कहेंगे अरे गुरु जी का फर्जी बात फर्जी बात यार देखा यार देखा आ जा आ जा आ जा कहा गया कहा गया हो उड़ गया का आ जा हाँ चलेगा अभी हाँ बस लड़के चलना अभी वो ख़त्म हो गया चलिए इधर देखिएगा हम कहा बताए थे बाबू भाई देखा सी टू एस टू कोने फार्म में लिखा काली है यहाँ का लिखा है हाई का लिखा देख लीजिए ध्यान से देखिए ये वही अपराधी है जो कल रात में फरार चल रहा था यही अपराधी है देखिए लिक्विड फॉर्म में रहता सी टू एस टू ये बात याद रखिए गैस फॉर्म में नहीं रहता है तुक्का उक्का मत मारिए हमने कहा था जो शुरू से पढ़ा होगा हमारा लेक्चर वो एकदम रगड़ देगा एक एक सवाल को नहीं तो रगड़ा जाएगा चला हेर देखा चलिए बाबू बात आप समझ गए ना बहुत बढ़िया भैया बड़ा सवाल हो गया हो वाह वाह तो यही सवाल आपसे पूछा था गैस सिलेंडर में एसिड संचित होता किस रूप में तो आप कहेंगे द्रव इन लिक्विड फॉर्म में होता है चला आगे देखा जाए अगला है निम्न में से कौन सी वाला कटिंग के लिए प्रयोग किया दी बताइए कटिंग के लिए बात कर रहा है कटिंग के लिए बात कर रहा है कटिंग के लिए बात कर रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर बताइए कटिंग के लिए कटिंग के लिए बात कर रहा है जल्दी बताओ बाहू कटिंग के लिए कटिंग के लिए कटिंग के लिए कटिंग 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 जल्दी बताइए कटिंग कटिंग बहुत बढ़िया मेरा जल्दी क्या बात है शानदार हमारी बात सुने बाहू हमने कहा आक्सीकरण आक्सीकरण आक्षीकरण ज्वाला जो होता है ये क्या होता है कटिंग के लिए प्रयोग होता है पीछे अभी का हम दिखाएं दिखाएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा है ना इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं पिछुआ सब लिखा हूं आप देख लीजिएगा लीजिएगाक्सीक्रज वाला होता है जिसमें क्या होता है ओ की मात्रा ज्यादा होती है सी टू एस टू की मात्रा क्या होती है कम होती है नेक्स्ट सवाल है एसट्री सिलेंडर में किस संतृप्त पदार्थ भरा जाता है कह रहा है एसी ट्रीन सिलेंडर में संतृप्त पदार्थ होता है इसी को तो कहते हैं स्पोंगी मटेरियल यही आस पास आपका स्पोंगी मटेरियल है और स्पोंगी मटेरियल कौन सा है याद रखिएगा झोंक करके बाबू जो विस्फोट को बचाता है कौन सा है तो आप कहेंगे एसीटोन

नेक्स्ट सवाल देखिएगा लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग में बिल्ड कैसे बनाया जाता ही देखा लेफ्ट वर्ल्ड टेक्निक में बात किया हूं लेफ्ट वर्ड टेक्निक की बात किया हूं बेटा एकदम ध्यान से सुनिएगा अगर ध्यान से सुनेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएगा लेफ्ट वर्ड टेक्निक की बात कर रहा है लेफ्ट वर्ड टेक्निक बताइएगा आप बताइए तब तक हम ढूंढ रहे हैं मसाला अपना ढूंढ रहा हूं चलिए लेफ्ट वर्ड टेक्निक बताइएगा लेफ्ट वर्ड टेक्निक जल्दी बताइएगा देखा जाए किसका आंसर आ रहा है लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड की बात हो रही है लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड जल्दी बताइएगा लेफ्टवर्ड लेफ्ट देखा हाई देखा ये कौन टेक्निक बताया इधर देखा कौन टेक्निक है हाँ टेक्निक है ना ये लेफ्टवर्ड टेक्निक देखिएगा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं राइट से बेल्डिंग होते जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ बेल्डिंग करते जा रहे हैं बात ध्यान दीजिएगा ठीक है ना बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर आ गया होगा हमें लगता है आप लोग बात समझ गए हैं लेफ्टवर्ड का मतलब हुआ बाएं तरफ जाना लेफ्टवर्ड का मतलब हुआ बाएं तरफ जाना ठीक है ना बात समझ गए तो यहाँ पर दाएं से बाएं एकदम सही बात है दाएं से बाएं एकदम सभी लोगों का आंसर शानदार बहुत बढ़िया यहाँ पर कुछ लोग बी बी कर रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं चलिए अगला सवाल है ऑक्सीजन की बात कर रहा है जल्दी बताइएगा ऑक्सीजन की बात कर रहा है जल्दी ठोकीे जल्दी 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 बताओ बेटा कह रहा है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा रंग होता है कहेंगे काला है पर क्या हुआ दिल वाला है ये देखा मैरून कैसे हो गया भाई अरुण कुमार ए बाबू कैसे मैरून ठोक दिए बाबू यहाँ पर कैसा होगा ऑक्सीजन तो का सिलेंडर कैसा होता काला होता है काला होता है ऑक्सीन बिल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है आप कहेंगे काला होता होता है काला और इस ऑक्सीजन सिलेंडर की बात तो यहां पर याद रखिएगा ठीक है ना कैसा होता काला होता है काला छोड़िए क्या बताएं हो गया काला होता है काला तो ब्लैक हो गया ब्लैक नेक्स्ट सवाल है बिल्डिंग में कार्बोराइजिंग की बात करता है बिल्डिंग में कार्बोराइजिंग की बात करता है कार्बोराइजिंग की बात करता है कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात कर रहा है

आप लोग तेज चलेंगे तो हमारा स्पीड इस ऐसे मेंटेन हो जाएगा बहुत तेज हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भारतीय कह अरे भैया न्यूट्रल 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 फ्लेम फ्लेम होता है, है, फ्लेम होता है 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 ठीक पर देखिए ये हाल लिखा हुआ ज्वाला है ज्वाला ये क्या है ज्वाला है तो न्यूट्रल फ्लेम होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है बचा कौन सा नाइट्रोजन फ्लेम कहीं सुने हैं क्या नाइट्रोजन कहीं सुने का नहीं सुने तो नाइट्रोजन से हो जाएगा यही आपका आंसर हो गया नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्सी गैस बिल्डिंग एक प्रकार की है कैसा कैसा बिल्डिंग है आक्सी स्टीन गैस बिल्डिंग कैसा बिल्डिंग है एक प्रकार का फ्यूजन बिल्डिंग है ना एक प्रकार का क्या है फ्यूजन बिल्डिंग है क्योंकि यहां से क्या हुआ आपका टिप हो गया बहू भाई क्या हो गया टिप हो गया यहां से फ्लेम आपका आएगा फ्लेम आएगा फ्लेम यहां से फ्लेम आएगा तो क्या करेगा इनको मेल्ट करेगा मेल्ट करेगा मेल्ट करेगा मेल्ट करेगा मेल्ट करेगा मेल्ट करेगा टप टप इसमें गिरेगा टप टप इसमें गिरेगा बिल्डिंग हो गया क्या हो गया फ्यूजन बिल्डिंग हो गया फ्यूजन बिल्डिंग हो गया फ्यूजन बिल्डिंग होता बहुत बढ़िया शानदार सभी लोगों का आंसर सही है नेक्स्ट सवाल देखिएगा वाम हस्त लेफ्ट बिल्डिंग विधि में किस नाम से जाना जाता है ये देखिएगा लेफ्टवर्ड बिल्डिंग को और किस नाम से पुकारते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में बताया लेफ्टवर्ड टेक्निक को क्या कहते हैं फॉरवर्ड टेक्निक कहते हैं इसी को क्या कहते हैं फोर हैंड कहते हैं इसी को क्या कहते हैं इसी को हैंड फोर हैंड टेक्निक कहते हैं इसी को क्या कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं इसी को फॉरवर्ड टेक्निक कहते हैं ठीक है ना और यही आपका लेफ्टवर्ड टेक्निक है यही लेफ्टवर्ड बचा कौन सा ये हो गया आपका फॉरवर्ड हो गया बात समझ गया ना खेला खेला हो गया इनका ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिएगा। स्टील गैस बिल्डिंग में गैस बिल्डिंग प्रयोग की जाती है जो लो अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है तो सबसे ज्यादा इस गैस बिल्डिंग में तापमान टेम्परेचर की बात कर रहा सर्वाधिक कहां पर होगा यही बात कर रहा है तो आपके पास ये ये जो फ्लेम बन रहा है ये आपका क्या हुआ हुआ आउटर आउटर इनवेलप इनवेलप हो गया हुआ। और यहाँ पर देखिएगा सबसे अंदरवा जो होता है यहाँ पर यही तो होता है इनर कोन यही क्या होता है इनर कोन होता है इनर कोन होता है और यही का तापमान होता है जबरदस्त यही का सबसे ज्यादा तापमान होता है सबसे खतरनाक यही होता है टॉर्च की नोक पर आंतरिक आंतरिक शंकु पर बाहरी शंकु पर बाहरी और आंतरिक बहुत बढ़िया टाज की नोक पर होता है बहुत बढ़िया बेटा शानदार लाजवाब लाजवाब तो यहां पर नोक पर होता है बात आप समझ गए नेक्स्ट सवाल देखिएगा चलिए जल्दी बताइएगा अगला आंसर बताइए जल्दी जल्दी जल्द, 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 जल्द। जल्दी 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 बताइएगा ठीक है यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ का यहां पर ऑन द इनर अरे भैया यहां पर देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा हमें लगाने में गड़बड़ हो गया है यहां देखिएगा ध्यान से यहां पर आंतरिक जो शंकु है जिसको क्या कहते हैं इनर कोन कहते हैं देखिए इनर कोन यहां पर लिखा है ना इनर कोन यहां लिखा है इनर कोन इनर कोन इनर तो इनर पे लगता है ठीक है ना एक गड़बड़ हो गया हमको थोड़ा सा थोड़ा हम जल्दी मांग है ना इसीलिए गच्चा हम खा गए देखा अगला है एसी को इस दाब पर सुरक्षित के रूप में संग्रहित किया जाता है कह रहा है एसी को किस दाब पर रखा जाता है वैसे अगर देखा जाए तो जो दाब होता है जो प्रेशर होता है जो प्रेशर इसका होता है कितना होता है तो आप कहेंगे पंद्रह पंद्रह के जी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये आपका प्रेशर है या इसका प्रेशर क्या होगा 0.1 पर, 0.0.1 परीरो का मतलब हुआ मेगा पासकल एमपीए का मतलब हुआ मेगा पासकल हुआ मेगा पासकल होता है सर ट्रेड विल्डर का, का। नहीं देखा पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया ठीक है।, है चला आगे देखा जाए तो यहां पर क्या ठोकेंगे याद रखिएगा ठीक है ना जीरो पॉइंट एक अगला है डिजॉल्व एसिटली गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है एसिटिलीन सिलेंडर की बात करता है तो हमने कहा एसिटिन सिलेंडर का रंग एक ही होता है आप जानते हो कैसा होता है मैरून होता है और इसी एसिटिन गैस सिलेंडर में क्या होता है एसीटोन एसीटोन एक प्रकार का स्पॉन्गी मटेरियल होता है भरा जाता है इसी एसीटोन को क्या करते हैं भरा जाता है भरा जाता है ठीक है ये बात आप समझ गए ठीक है ना बाबू चलिए बात आप समझ गए बहुत अच्छी बात है चलिए तो कितना सवाल हो गया तीस सवाल हो गया आज का क्लास यहीं रन देते हैं सवाल तो और भी है लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है ठीक है आप लोग परेशान हो जाएंगे <laughs> ठीक है आप लोग सवाल जो है यहाँ बढ़िया से एक बार सुन लीजिए ध्यान से एक बार अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से आप वीडियो देखते आइएगा और ऑक्सी एसिटलिन गैस बिल्डिंग का अगर आप नोट्स बनाते हुए आपने पढ़ लिया पूरा तो निश्चित रूप से आपका ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा लेट गया है ये लेट चुका है बस आपको एक बार देखने की आवश्यकता ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन जाकर के लगा के देखिए आओ सनम जाओ सनम हो जाएगा ठीक है ना बहुत अच्छा तो जितने भी दोस्त अपना कीमती वक्त मेरे साथ बर्बाद किए हैं उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है ठीक है और इस इसी बात पर जो है दोस्तों लाइक उइक का बटन फोंकोक दीजिएगा शेयर और कर दीजिएगा अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा से ना ठीक है ना ताकि आगामी क्लास भी हमारा मिलता रहेगा इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट फिर मुलाकात होगा आपसे कल तब तक के लिए जय जय हिंद जै भारत जी मैं खलनायक <laughs> चलिए भैया फिर मुलाकात होगा सभी दोस्तों को बाय बाय साथियों अगर आप भी इस कोर्स में होली के ऑफर में जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जहां से हम कई सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं डाउनलोड करने के बाद हमें इंस्टॉल करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो रजिस्टर कर लीजिएगा नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा पेड कोर्सेज में जाइए और आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है चाहे वो है SSC है रेलवे है कोई भी परीक्षा आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पेड में सारे कोर्सेज दिखेंगे और आप डेमो भी उन कोर्सेज के चाहे तो पहले देख सकते हैं जिनकी भी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है कुछ ऐसे कोर्सेज है जो बिल्कुल नए हैं जिसमें आपको डेमो नहीं देखने को मिलेंगे सारी क्लासेज आपके मार्च के मिड में स्टार्ट हो जाएंगी और होली के ऑफर में आपको कूपन कोड जगाना होगा बाई नाउ पे क्लिक करके वो होगा होली सेवेंटी एच ओ एल आई होली और सेवनटी कूपन कोड लगाएंगे और फ्लैट सेवेंटी परसेंट का डिस्काउंट आपको मिलेगा हर पे तो तुरंत ज्वाइन करिए अपने बेहतरीन और कोर्स को क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ऑफर जो है वो 12 है वो मार्च तक लेकिन पहले सिर्फ आठ हजार बच्चे यहां पर सेवेंटी परसेंट का डिस्काउंट लेकर जा रहे होंगे तो धन्यवाद अगर कोई परेशानी आती है तो आपके पास नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इस पर व्हाट्सएप कर लीजिए क्योंकि कॉलिंग होली की वजह से बंद रहेगी आप व्हाट्सएप करिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान देखने को जरूर मिलेगा